हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो अभी हम लोग रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट फोर करने वाले हैं, पार्ट थ्री करने वाले हैं। पार्ट टू हम लोग कर चुके हैं जो कि है यूनिट फोर का। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, और मेरा रेफरल कोड अलीब10 यूज करें, जिससे हमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ऑफर है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट थर्ड पूरा कर लिया है, यूनिट फोर्थ हम लोग हाफ कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। एग्ज़ाम की अभी डेट नहीं आई है, फॉर्म भी नहीं आया अभी, सिर्फ डेट आई है, फॉर्म नहीं आया अभी। डेट आ गई है 6 to 10 11 और 10 दिसंबर है शायद। तो अभी एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं आए, फॉर्म जब भी आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट थ्री स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, हम लोगों ने कल जो है एग्रेरियन अनरेस्ट के बारे में, यानी कि पीजेंट अनरेस्ट के बारे में पढ़ा है। उसमें हम लोगों ने 4 मोमेंट पढ़े हैं पीजेंट से रिलेटेड, यानी कि पीजेंट रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्यूशन से रिलेटेड हम लोगों ने 4 पढ़े हैं। उसी को कंटिन्यूएशन में हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में चलते हैं और 5वां पीजेंट रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीजेंट अनरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 5वां क्या है, पीजेंट रिवोल्ट इन तेलंगाना। तेलंगाना में किसान विद्रोह कौन सा हुआ था, 1946 में हुआ था ये। तेलंगाना में किसान विद्रोह तेलंगाना मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, पीजेंट रिवोल्ट इन तेलंगाना, तेलंगाना में किसान विद्रोह, ये तेलंगाना मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये किसके खिलाफ था, निजाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ ये मूवमेंट था। तेलंगाना जो है पहले हैदराबाद में ही आता था, हैदराबाद की प्रोविंस में ही। अभी फिलहाल तेलंगाना एक स्टेट है, ठीक, पहले आंध्र प्रदेश में आता था तेलंगाना। सो ये मूवमेंट जो था तेलंगाना का, वो निजाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ था। ये आंदोलन हैदराबाद के निजाम के खिलाफ शुरू किया गया था। अब क्यों उनके खिलाफ शुरू किया गया था वो हम लोग देखते हैं। द एग्रेरियन स्ट्रक्चर फॉलोड द फ्यूडल सिस्टम ऑफ दिस टाइम। उस टाइम जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था वो फ्यूडल सिस्टम फॉलो हो रहा था उसमें, ठीक, उसमें फ्यूडल सिस्टम फॉलो हो रहा था। फ्यूडल सिस्टम मतलब यहाँ पे लॉर्ड और सर्फ हुआ करते थे, लॉर्ड और सर्फ हुआ करते थे, यानी कि मालिक और मजदूर होते थे, ठीक। तो फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता था। इस समय कृषि संरचना ने सामंती व्यवस्था का पालन किया। तो कृषि संरचना में जो है उस वक्त की क्या, कौन सी व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था किसको कहते हैं, जिसमें एक मालिक होता है और एक मजदूर होता है, ठीक, एक मालिक और एक मजदूर, यानी कि मालिक और गुलाम भी कह सकते हैं। तो उस वक्त की जो कृषि संरचना थी वो सामंती व्यवस्था को व्यवस्था का पालन करती थी। तेलंगाना रिवोल्ट जो है वो निजाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ था। उस वक्त का जो है एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर था वो फ्यूडल सिस्टम था, ठीक। तेलंगाना आंदोलन जो है वो निजाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ था, और ये जो है
सामंती व्यवस्था उस वक्त प्रचलन में थी। अब देखते हैं आगे क्या था इस पे। ड्यूरिंग दिस टाइम टू काइंड ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम वर प्रिवेलेंट। उस टाइम पे दो तरह के लैंड टेन्योर सिस्टम पाए जाते थे। उस टाइम पे दो तरह के लैंड टेन्योर सिस्टम पाए जाते थे जिसका नाम था रैयतवारी और जागीरदारी। तो आप लोगों ने पढ़ा है रैयतवारी और जागीरदारी के बारे में। तो उस वक्त दो लैंड टेन्योर सिस्टम पाए जाते थे जब तेलंगाना मूवमेंट हुआ था, यानी कि 1946 में। ठीक, तो ये निजाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ था और उस वक्त जो है फ्यूडल सिस्टम फॉलो किया जा रहा था और दो तरह के लैंड टेन्योर सिस्टम थे, एक रैयतवारी और एक जागीरदारी। इस समय के दौरान दो प्रकार की भूधृति प्रणालियां प्रचलित थी। भूधृति प्रणालियां प्रचलित थी कौन कौन सी? दो तरह की, एक रैयतवारी और दूसरी जागीरदारी। ठीक, तो रैयतवारी और जागीरदारी हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर उस वक्त क्लास मिस किए हों तो आप बैक क्लास जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने रैयतवारी और जागीरदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा। अंडर द रैयतवारी सिस्टम द पीजेंट ओन पट्टा इन देयर नेम एंड वर द प्रोप्रिएटर्स एंड रजिस्टर्ड ऑक्यूपेंट ऑफ द लैंड। तो रैयतवारी सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे लोग जो पीजेंट होते थे वो पट्टा ओन करते थे, पट्टा कराया जाता था जमीनों का। ठीक, तो वो पट्टा ओन करते थे, एक पार्ट्स ऑफ लैंड ओन करते थे जिसको पट्टा कहा जाता था। ठीक, और वही उनके जो है उन्हीं के नाम पे उनको रजिस्टर्ड किया जाता था और ये माना जाता था कि वही उसके उस प्रॉपर्टी के मालिक। ठीक, रैयतवारी व्यवस्था के तहत किसानों के नाम पर पट्टा होता था। तो रैयतवारी व्यवस्था के तहत जो है किसानों के नाम पर पट्टा होता था और वे जमीन के मालिक और पंजीकृत कब्जाधारी होते थे। तो ये जो है जमीन के मालिक होते थे या तो पंजीकृत कब्जाधारी होते थे। जैसे अभी भी आप देखेंगे पट्टा सिस्टम चलता है तो कुछ सालों के लिए कुछ जैसे जो सरकारी जमीनें होती हैं उस पर पट्टा कराया जाता है, तो वो जमीन के मालिक तो नहीं होते हैं लेकिन कब्जाधारी होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा पट्टा कराने का। तो ये उस वक्त रैयतवारी सिस्टम में चल रहा है। कॉजेस फॉर द राइज ऑफ तेलंगाना, अब ये बैकग्राउंड हो गया। इसका कॉज क्या था, तेलंगाना मूवमेंट का कॉज क्या था वो हम लोग देखते हैं। कॉजेस फॉर द राइज ऑफ द तेलंगाना मूवमेंट आर एज़ फॉलोस। तेलंगाना आंदोलन के उदय के कारण इस प्रकार है। तो उसमें जो जागीरदार और रैयतवार थे हम लोगों ने देखा है, उसमें तो फर्स्ट जो कॉज था वो क्या था, द जागीरदार एंड द देशमुख वर द इंटरमीडियरीज एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द कल्टिवेटर। तो जो जागीरदार होते थे या देशमुख होते थे ये इंटरमीडियरीज मतलब ये बिचौलिए थे जो क्या करते थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, जो कल्टीवेटर हैं यानी कि जो खेतियर मजदूर हैं जो खेती कर रहे हैं उनसे जो है टैक्स कलेक्ट करना था। इनका काम क्या था कि जो जो भी खेती कर रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करना। ठीक, देशमुख और जागीरदार जो है इंटरमीडियरीज हुआ करते थे और ये टैक्स कलेक्ट करते थे कल्टीवेटर से। जागीरदार और देशमुख मध्यस्थ थे। जागीरदार और देशमुख क्या थे, मध्यस्थ या बिचौलिए कह सकते हैं आप, मध्यस्थ या बिचौलिए थे और किसानों से कर वसूलने के लिए जिम्मेदार थे। और ये क्या करते थे, किसानों से कर वसूलते थे। तो इनके पास ये जिम्मेदारी थी कि ये किसानों से कर वसूलें। द कल्टीवेटर्स वर ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय दीज इंटरमीडिएट्स। अब जो किसान थे जो खेती करते थे कल्टीवेटर जो थे उनको ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे, उनको ये लोग ऑपरेस या एक्सप्लॉइट करते थे, उनका ऑपरेशन किया जाता था या उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था इनके जरिए इंटरमीडिएट्स के जरिए। हु आर अपॉइंटेड बाय द निजाम, तो इनको कौन अपॉइंट करता था, जो इंटरमीडिएट्स होते थे यानी कि बिचौलिए होते थे उनको कौन अपॉइंट करता था, उनको निजाम अपॉइंट करते थे। निजाम अपॉइंट करते थे कि उनके लिए वो टैक्स कलेक्ट करके उनको दे। निजाम द्वारा नियुक्त इन बिचौलियों द्वारा काश्तकारों का दमन और शोषण किया जाता है। अब निजाम ने जब इनको इन बिचौलियों को नियुक्त किया कि आप जो है कर इकट्ठा करके निजाम तक पहुंचाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, जो काश्तकार थे यानी कि जो मजदूर थे जो खेतिहर मजदूर थे उनका दमन और उनका शोषण करना शुरू कर दिया, उनको दबाना धमकाना और उनका शोषण करना शुरू कर दिया। दे कलेक्टेड हाई टैक्सेस, ये क्या करते थे, हाई टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, जितना निजाम ने फिक्स किया है उससे ज़्यादा टैक्सेस ये कलेक्ट करते थे।
मैनिपुलेटेड द रिकॉर्ड्स विद रिजल्टेड इन द डिसकंटेंटमेंट अमंग द पुअर पीपल। उन्होंने उच्च कर एकत्र किया, अभिलेखों में हेर फेर किया, जिसके परिणाम स्वरूप गरीब किसानों में असंतोष हुआ। ठीक, तो इन्होंने जो भी रिकॉर्ड था उनमें मैनिपुलेशन किया, टैक्स को हाई कलेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, किसानों के अंदर जो है एक तरह से क्या था, एक तरह से असंतोष था, एक तरह से गुस्सा था। ठीक, उन्होंने उच्च कर एकत्र किया, अभिलेखों में हेर फेर किया, जिसके परिणाम स्वरूप गरीब किसानों में असंतोष हुआ। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गरीब किसानों में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि जो जागीरदार या देशमुख थे, जो बिचौलिए थे, वो क्या करते थे, उच्च कर इकट्ठा करते थे और अभिलेख जो होते थे उनमें हेर फेर करते थे, जो रिकॉर्ड्स होते थे उनमें हेर फेर करते थे, जिसकी वजह से किसान जो है बहुत असंतोष थे, बहुत गुस्से में। A system of slavery known as Bhagela was prevalent in the state of Nizam. तो एक slavery system था उस वक्त निजाम के टाइम पे, निजाम का जो स्टेट था उसमें एक सिस्टम, slavery system, यानी कि गुलामी का एक सिस्टम बहुत prevalent था, जिसका नाम क्या था, भगेला नाम। ठीक, निजामों के राज्य में भगेला नामक दास प्रथा प्रचलित थी। तो एक दास प्रथा वहाँ पे उस वक्त प्रचलित थी, जिसका नाम क्या था, दास जिसका नाम क्या था भगेला। ठीक, भगेला के नाम से एक दास प्रथा वहाँ पे प्रचलित थी निजाम के टाइम पे, निजाम के जो राज थे उसमें। अंडर दिस सिस्टम, अब इस सिस्टम में क्या होता था, भगेला सिस्टम में क्या होता था, अंडर दिस सिस्टम द टेनेंट्स हू हैव टेकन द लोन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, तो जो किराएदार होते थे, जो टेनेंट्स होते थे, जो किराएदार होते थे, यानी कि जो टेनेंट्स होते थे, वो उन्होंने जिन्होंने जो है लोन लिया है लैंडलॉर्ड से, ठीक, had to serve the landlord until the debt is repaid. वो तब तक जो है उस लैंडलॉर्ड के गुलाम बनकर रहेंगे जब तक उनकी डेट, उनका कर्ज जो है वो खत्म ना हो सके। ठीक, जब तक उनका कर्ज वो पे ना कर लें तब तक वो उनके गुलाम बन के ही रहेंगे। ठीक, तो इस तरह की इस सिस्टम को ही भगेला कहा जाता है। ठीक, तो भगेला सिस्टम क्या था कि इसमें जो टेनेंट्स होते थे, जो किराएदार होते थे, वो अगर लोन लेते थे, वो अगर लोन लेते थे, जो किसान होते थे वो अगर लोन लेते थे लैंडलॉर्ड से, तो उनको उस लैंडलॉर्ड की सर्विस करना पड़ता था तब तक जब तक वो लोन रीपे ना कर पाए। इस प्रणाली के तहत जिन किराएदारों ने जमींदारों से कर्ज लिया है उन्हें कर्ज चुकाने तक जमींदार की सेवा करनी होती। तो जिन्होंने भी कर्ज लिया था उनके साथ ये भगेला, वो भगेला बन के रहते थे उनके पास। ठीक, भगेला बन के रहते थे मतलब उनकी सेवा तब तक करनी है जब तक वो उस जमींदार का वो कर्ज ना चुका पाए। ठीक, जब तक कर्ज आप नहीं चुका सकते तब तक आपको भगेला बन के, यानी कि उनकी सेवा करना है। ठीक, जनरली द भगेला वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द लैंडलॉर्ड फॉर जनरेशन एज द लैंडलॉर्ड यूज्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स व्हिच ऑलवेज शोड दैट द भगेलास आर स्टिल इंडेब्टेड टू देम। अब यहाँ पे चूंकि ठीक है आपने लोन लिया, फिर भगेला बन के आप उनकी सर्विस कर रहे हैं जब तक आपका लोन रिपे नहीं हो रहा है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड होते थे वो एक तरह से मैनिपुलेशन करते थे। मैनिपुलेशन कैसे करते थे कि उनका जो डेप्थ है वो उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता था, लैंडलॉर्ड ही मेंटेन करते। तो लैंडलॉर्ड कभी भी रिकॉर्ड को इस तरह नहीं मेंटेन करते थे कि उनका जो है जो डेप्थ है वो खत्म हो रहा है, बल्कि वो क्या करते थे, उसको खत्म करते ही नहीं, उसको लिखते ही नहीं थे इस लेवल पे कि वो खत्म हो जाए, ताकि वो भगेला जो है वो हमेशा उनकी सर्विस करते रहे। और इसके नतीजे में क्या होता था कि उनकी पूरी जनरेशन टू जनरेशन जो है उसी लैंडलॉर्ड की खिदमत कर रही है, उसी लैंडलॉर्ड की सर्विस कर रही है। ठीक, तो उस लैंडलॉर्ड की सर्विस जो है सपोज करिए उसके फादर ने किया था जिसने लोन दिया था, फिर उसका सन करेगा, उसके सन के बाद उसका सन, और ये लैंडलॉर्ड जानबूझ कर जो है उनके डेब्ट को खत्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सर्विस के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। एक तरह से ये क्या करते थे, रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करते। तो पहला रीजन तो ये था कि जो जागीरदार और देशमुख थे उन्होंने क्या किया था, वो ज्यादा कर लेते थे और एक्सप्लॉइट करते थे, ऑपरेस करते थे। उसके बाद जो भगेला सिस्टम था ये भी बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव था। आमतौर पर भगेला ने पीढ़ियों तक जमींदारों की सेवा करने की उम्मीद की जाती,
बघेला से जो है पीढ़ियों तक जमींदारों की सेवा की उम्मीद की जाती थी। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनकी सेवा कर रहे होते, क्योंकि जमींदार रिकॉर्ड बनाए रखते थे, क्योंकि जो भी कर्ज का रिकॉर्ड होता था वो जमींदार ही बनाए रखते थे। अब जब जमींदार ही कर्ज का रिकॉर्ड बनाए रखते थे तो जरूरी था, तो वो क्या करते थे उस पर हेर फेर करते थे, ताकि मतलब उनका जो कर्ज है वो चुके ना, और ये जो है हमेशा उनकी सेवा करते रहे। जिसने हमेशा दिखाया कि भगेला पर आज भी उनका कर्ज है, ठीक, मतलब वो हमेशा यही दिखाते थे कि अभी कर्ज जो है उनका पूरा नहीं हुआ है, अभी भी उनका कर्ज है और उनको सेवा करना है, ठीक। ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, एक तरह से जो है नष्ट करने का ही सिस्टम था। तीसरा रीजन क्या था तेलंगाना मूवमेंट का, द कास्ट रेडीज एंड कमास। तो दो कास्ट थी, एक रेडीज और एक कमास। अभी भी वहां पे ये कास्ट पाई जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप देखेंगे तो रेडीज और कमास पाए जाते हैं वहां, ठीक है। हू ट्रेडिशनली वॉक्ड एज ट्रेडर एंड मनी लेंडर, जो क्या करते थे ट्रेडिशनल तौर पे ये ट्रेडर और मनी लेंडर के तौर पे काम करते, ठीक। ये ट्रेडिशनली ट्रेडर और मनी लेंडर के तौर पे काम करते थे। वॉन्टेड टू पुल डाउन द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मिन एज एग्रीकल्चरलिस्ट इन द स्टेट। तो ये जो है ब्राह्मिन का जो स्टेटस था, ब्राह्मिन का जो डोमिनेशन था उसको खत्म करना चाहते थे। जो ब्राह्मिन क्या थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे, स्टेट में जो है एग्रीकल्चरलिस्ट थे, एग्रीकल्चरलिस्ट के तौर पे जो है जो ब्राह्मिन का डोमिनेशन था उसको ये खत्म करना चाहते थे, रेड्डीज और कम्मा, ठीक। ये तीसरा रीजन था। जातियां रेड्डी और कम्मा जो परंपरागत रूप से व्यापारियों और साहूकारों के रूप में काम करती थी, तो ये परंपरागत रूप से रेड्डी और कम्मास क्या करते थे, साहूकार थे या व्यापारी थे, इस रूप में ही ये काम करते थे। राज्य में कृषकों के रूप में ब्राह्मणों के वर्चस्व को कम करना चाहते थे, और ये जो कास्ट थी, ये जो जातियां थी, ये क्या चाह रही थी, ये चाह रही थी कि जो राज्य में कृषक के रूप में ब्राह्मण का वर्चस्व है उसको खत्म किया जाना चाहिए, कृषक के रूप में जो ब्राह्मण का वर्चस्व है उसको खत्म किया जाना चाहिए। द कल्टिवेशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप लार्जली डिपेंड ऑन द इरिगेशन फैसिलिटीज। चौथा रीजन, पांचवा रीजन क्या था, तेलंगाना मूवमेंट का, सो द कल्टिवेशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप लार्जली डिपेंड ऑन द इरीगेशन फैसिलिटीज। तो वहाँ पे जो कॉमर्शियल क्रॉप उगाए जाते थे, कॉमर्शियल क्रॉप किसको कहेंगे, ऐसी क्रॉप जो जिनको मार्केट में बेचा जाता, ठीक। तो जो कॉमर्शियल क्रॉप होती थी उनको वो लार्जली डिपेंड होती थी इरीगेशन फैसिलिटी पर, जैसी इरीगेशन फैसिलिटी होगी उतनी अच्छी कॉमर्शियल क्रॉप होगी। विच वर वेरी मीगर इन द तेलंगाना रीजन, जो बहुत ही खराब थी तेलंगाना रीजन में, ये बहुत कम थी, बहुत खराब थी, भी तो खराब थी या बहुत कम थी, ठीक। तो जो कमर्शियल क्रॉप थी वो सबसे ज्यादा डिपेंड होती थी किस पे, इरिगेशन फैसिलिटीज पे, और इरिगेशन फैसिलिटीज जो तेलंगाना रीजन है उसमें बहुत ही मीगर थी, बहुत कम थी। वाणिज्यिक फसलों की खेती, वाणिज्यिक मतलब जिनको बाजारों में बेचा जा सकता हो, ठीक, उनकी खेती काफी हद तक सिंचाई सुविधा पर ही निर्भर थी। तो जो वाणिज्यों की खेती, वाणिज्यिक फसलों की खेती होती थी वो काफी हद तक सिंचाई सुविधा पर ही निर्भर होती थी, जो कि तेलंगाना क्षेत्र में बहुत कम थी। तो जो सिंचाई का सिस्टम था वो तेलंगाना क्षेत्र में बहुत कम था, ये भी एक रीजन था तेलंगाना मूवमेंट का, तेलंगाना आंदोलन का, ये भी एक मूवमेंट, एक रीजन था, एक वजह थी। तो द निजाम प्रोवाइडेड द इरिगेशन फैसिलिटीज, निजाम का काम था कि ये जो है इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करें, और उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। Most of these facilities were utilized by the big farmer world. लेकिन निजाम ने जो फैसिलिटी प्रोवाइड की थी वो फैसिलिटीज का उपयोग सिर्फ जो बड़े फार्मर होते थे, बड़े किसान होते थे, वही यूज कर पाते थे, बाकी लोग नहीं कर पाते थे। हालांकि निजाम सिंचाई की सुविधा प्रदान करते थे, लेकिन इनमें से अधिकांश सुविधाओं का उपयोग बड़े किसान ही करते थे। तो अधिकांश सिंचाई की जो सुविधा होती थी उनमें अधिकांश पर जो है कब्जा किसका होता था, जो बड़े किसान होते थे उन्हीं का कब्जा होता था, और जो छोटे किसान होते थे वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये भी एक रीजन था तेलंगाना मूवमेंट का।
फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंड, नेक्स्ट रीजन क्या था? द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंड एलिनेशन इंक्रीज बिटवीन 1910 एंड 1940। तो लैंड एलिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। तब 1910 से लेकर 1940 तक द लैंड पोजेशंस एमंग द नॉन कल्टिवेटिंग अर्बन पीपल सच एज द ब्राह्मिन, मारवाड़ीज एंड मुस्लिम हैज इंक्रीज विद रिजल्टेड इन रिड्यूसिंग द स्मॉल एंड ट्राइबल पीजेंट इन टू मेयर लैंडलेस लेबर। तो जो नॉन कल्टिवेटिंग पीपल थे, नॉन कल्टिवेटिंग अर्बन पीपल थे जैसे कि ब्राह्मिन, मारवाड़ीज या मुस्लिम्स, ये बढ़ते चले। इनके बढ़ने की वजह से जो स्मॉल या ट्राइबल पीजेंट थे, छोटे किसान थे, ठीक, वो कम होते चले गए, या तो वो ऐसे हो गए थे जैसे इनके पास जमीनें ना हो, ठीक, लैंडलेस लेबर्स हो गए, मजदूर हो गए थे। 1910 और 1940 के बीच भूमि हस्तांतरण की आवृत्ति में वृद्धि हुई। भूमि हस्तांतरण की आवृत्ति में वृद्धि हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्राह्मण, मारवाड़ी या मुसलमान जैसी गैर खेती शहरी लोगों के बीच, तो जो ब्राह्मण होते थे, मारवाड़ी होते थे या वहाँ के मुसलमान होते थे, वो खेती नहीं करते, ठीक, तो उनके बीच जो है भूमि का कब्जा बढ़ गया था। ये लोग जो है ज़्यादातर भूमि पर कब्जा कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे और आदिवासी किसान, इसका परिणाम क्या हुआ, जो छोटे या आदिवासी किसान थे वो भूमिहीन हो गए, इनके पास जमीनें ही नहीं बची और ये वो मजदूरी करने पे मजबूर हो गए। तो ये सारे कॉजेस थे तेलंगाना मूवमेंट्स के। अब जो तेलंगाना मूवमेंट हुआ उसका रिजल्ट आया था, उसका परिणाम क्या हुआ था वो हम लोग देखते हैं। तो पहला जो रिजल्ट था, पहला आउटकम जो था वो ये था, द तेलंगाना पीजेंट स्ट्रगल हैज अ पार्टिसिपेशन ऑफ मिक्स क्लास ऑफ पीजेंट। तो जो तेलंगाना पीजेंट स्ट्रगल था, तेलंगाना मूवमेंट को तेलंगाना पीजेंट स्ट्रगल भी कहा जाता है, ठीक, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मिक्स पार्टिसिपेशन था, चाहे वो क्लास के बेस पे हो, चाहे मिक्स क्लास ऑफ पीजेंट थे, मतलब अपर क्लास के लोग भी उसमें शामिल थे, मिडिल क्लास के लोग भी उसमें शामिल थे और लोअर क्लास के लोग भी उसमें शामिल थे। तेलंगाना किसान संघर्ष में किसानों के मिश्रित वर्ग की भागीदारी, ठीक, तो इसमें मिक्स लोगों ने भागीदारी लिया, मिश्रित वर्ग ने भागीदारी लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ग ने ही भागीदारी लिया है। द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस पीजेंट स्ट्रगल वॉज दैट इट ब्रॉट टूगेदर द टेनेंट्स, शॉपकीपर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये मेजर अचीवमेंट था तेलंगाना मूवमेंट का, तेलंगाना पीजेंट स्ट्रगल का, कि सारे लोगों को एक साथ पहली बार लाया गया था, ठीक, दैट इट ब्रॉट टुगेदर द टेनेंट्स, टेनेंट्स को भी, शेयर क्रॉपर को भी और लैंडलेस लेबरर को भी एक साथ लाया गया था पहली बार। इस मूवमेंट का एक खास बात थी, तेलंगाना मूवमेंट की, कि टेनेंट, शेयर क्रॉपर, लैंडलेस लेबरर को एक साथ लाया गया था पहली बार। इस किसान संघर्ष की बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसमें पहली बार काश्तकारों, बटाईदारों और भूमिहीन मजदूरों को एक साथ लाया। काश्तकार, बटाईदार किसको कहते हैं? बटाईदार कहते हैं जो शेयर क्रॉपिंग करते हैं। शेयर क्रॉपिंग मतलब दूसरे की जमीन पे अपनी खेती करते हैं और उसका कुछ परसेंट, जो प्रॉफिट का कुछ परसेंट होता है उसको, हाँ, जो है, जो जिनकी जमीन होती थी उनको देते हैं। जैसे अभी के टाइम पे जो यूपी और बिहार में क्या चलता है, अधियार चलता है, अधिया पे लोग जो है जमीनें देते हैं, अधियार, तो जो लोग जमीन लेते हैं उनको अधियार कहा जाता है। ऐसी वहाँ पे जो जमीन लेते थे शेयर क्रॉपिंग के लिए, या मतलब शेयर करने के लिए, जो भी प्रॉफिट होता था उसको शेयर करने के लिए, तो उनको बटाईदार कहा जाता है, ठीक। इस किसान संघर्ष की बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने पहली बार काश्तकारों, बटाईदारों और भूमिहीन मजदूरों को एक साथ लाया। तो ये पहली बार जो है काश्तकारों, बटाईदारों और भूमिहीन मजदूरों को एक साथ लाया था, ठीक, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस संघर्ष। अनादर बेनिफिशरी फ्रॉम दिस मोमेंट वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाई थी, इससे सबसे ज्यादा फायदा जो है तेलंगाना मूवमेंट से सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी को हुआ था। Which exercised its power over the whole of the state of Hyderabad for a long time, जिसने जो है अपना, अपनी गवर्नमेंट मेंटेन करके रखी थी बहुत लंबे समय तक, कहाँ पे? हैदराबाद की स्टेट।
हैदराबाद स्टेट में सबसे लंबे समय तक जो है पावर में थे कम्युनिस्ट पार्टी के। इस आंदोलन से एक अन्य लाभार्थी कम्युनिस्ट पार्टी थी। दूसरा किसको मतलब लाभ मिला था तेलंगाना आंदोलन से, तो इस आंदोलन से सबसे ज़्यादा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को लाभ मिला था, जिसने लंबे समय तक पूरे हैदराबाद राज्य पर अपनी सत्ता का प्रयोग किया। जिसने क्या किया, बहुत लंबे समय तक पूरे हैदराबाद राज्य पर अपनी सत्ता जमाई रखी। The Telangana peasant struggle was a failure as far as the demand of the poor peasant class are concerned. अगर जो poor peasant class की जो demand थी उस हिसाब से देखा जाए तो Telangana movement जो है वो fail हो गया, ठीक, वो success नहीं हुआ था। बल्कि अगर demand के हिसाब से देखा जाए तो demand वहाँ पे पूरी नहीं हुई थी, जिसके basis पे आप ये कह सकते हैं कि Telangana peasant struggle जो है वो fail हुआ था। जहाँ तक गरीब किसान वर्गों की मांगों का संबंध है, तेलंगाना किसान संघर्ष विफल रहा था। तो जहाँ तक अगर हम बात करें कि जो गरीब किसानों की मांग थी, उस मांगों के संबंध में अगर हम देखें कि तेलंगाना जो संघर्ष था तेलंगाना का, वो कामयाब हुआ था कि नहीं, उस बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो है कामयाब नहीं हुआ, ये फेल हो गया। देयर वॉज अ फ्यू गेन्स फॉर द रिच पीजेंट क्लास। हाँ, कुछ जो अमीर पीजेंट क्लास थे, जो बड़े किसान थे, उनको कुछ फायदा हुआ था, बट द बेनिफिट फॉर पुअर पीजेंट सच एज टेनेंट्स एंड लैंडलेस लेबर वर वेरी फ्यू। ठीक, लेकिन जो है जो पुअर पीजेंट थे या जो टेनेंट्स थे या लैंडलेस लेबर थे, उनको बहुत कम फायदा हुआ। धनी किसान वर्ग के कुछ वर्ग के लिए कुछ लाभ थे, लेकिन गरीब किसानों जैसे काश्तकारों और भूमिहीन मजदूरों के लिए लाभ बहुत कम थे। तो इससे जो है तेलंगाना मूवमेंट से ज्यादातर जो फायदा हुआ था वो धनी किसानों का हुआ था, गरीब किसानों का या काश्तकारों का या भूमिहीन मजदूरों का जो है वो लाभ बहुत कम हुआ था। ठीक, और तेलंगाना मूवमेंट आप एक तरह से ये समझिए कि फेल हुआ था। उसकी वजह क्या थी कि मतलब जो गरीबों की मांग अगर हम देखते हैं तो वो नहीं पूरी हुई थी। अगर अमीरों का देखते हैं तो अमीरों के लिए ये सही था, क्योंकि अमीरों की डिमांड बहुत सारी पूरी हुई थी और बहुत सारे फायदे जो है तेलंगाना मूवमेंट से अमीरों को हुआ था। ठीक, नेक्स्ट मूवमेंट आता है तिभागा मूवमेंट इन बंगाल। तिभागा मूवमेंट इन बंगाल 1946 में ये भी हुआ था, बंगाल में तिभागा आंदोलन। ठीक, तिभागा की मतलब क्या होता है, भागा मतलब पार्ट, तिभागा मतलब तीन पार्ट, थ्री पार्ट। ठीक, तो तिभागा मूवमेंट जो 1946 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। तिभागा और तेलंगाना में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इट वॉज शेयर क्रॉपर्स मूवमेंट, ये किसका था, शेयर क्रॉपर्स का मूवमेंट था, यानी कि जो बटाईदार थे उनका मूवमेंट था, जो अधियार थे उनका मूवमेंट था। ठीक, इट वॉज अ शेयर क्रॉपर्स मूवमेंट विच डिमांडेड टू थर्ड ऑफ द देमसेल्फ, टू थर्ड फॉर देमसेल्फ एंड वन थर्ड फॉर द लैंड। तो ये क्या डिमांड कर रहे थे, टू थर्ड फॉर देमसेल्फ एंड वन थर्ड फॉर द लैंड लॉस। इसका क्या मतलब हुआ, अगर जो है जो भी फसल हो रही है, जो भी क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है, क्रॉप के बाद कल्टीवेशन के बाद जो है उसका तीन पार्ट होना चाहिए, उसका तीन पार्ट किया जाना चाहिए, उसका दो पार्ट जो है वो शेयर क्रॉपर लेंगे और एक पार्ट जो है वो लैंड लॉस। पहले क्या था 50-50% का, ठीक, या उससे ज़्यादा रहा होगा लैंड लॉस का, लेकिन ये इसी का मोमेंट था कि तीन पार्ट किया जाए, उसके दो पार्ट जो है जो शेयर क्रॉपर हैं यानी कि जो खेती कर रहे हैं वही लेंगे और एक पार्ट जो है वो लैंडलॉर्ड्स लेंगे। ठीक, इट वाज अ शेयर क्रॉपर्स मूवमेंट विच डिमांडेड टू थर्ड फॉर देमसेल्फ एंड वन थर्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स। ठीक, तो ये शेयर क्रॉपर का मोमेंट था जो अपने लिए दो तिहाई लेना चाहते थे और एक तिहाई जो है वो लैंडलॉर्ड्स को देना चाहते थे। ये बटाईदारों का आंदोलन था जो अपने लिए दो तिहाई और जमींदारों के लिए, जमींदार के लिए एक तिहाई की मांग करता था। ठीक,
अपने लिए 2/3 और जमींदार के लिए 1/3, मतलब कि तीन भाग होना चाहिए। तीन भाग में दो भाग जो है वो बटाईदारों को मिलना चाहिए और एक भाग जो है वो जमींदारों को मिलना चाहिए। अर्लियर द शेयर क्रॉपर यूज टू गिव 50-50 शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑन देयर टेनेंसी। पहले के कितना था? 50-50 शेयर, दो पार्ट किया जाता था। एक पार्ट जो है बटाईदार का होता था और एक पार्ट जो है शेयर क्रॉपर का होता था। एक पार्ट जो है वो किसका होता था? वो लैंडलॉर्ड्स का होता था। तो पहले जो है जो टेनेंट्स थे वो क्या करते थे, 50-50% शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम था उस वक्त 50-50% का था। जो भी पैदावार हो रही है उसका 50-50%, पहले बटाईदार अपनी काश्तकारी पर उपज का 50-50 हिस्सा देते थे। 50-50 जो है हिस्सा देते थे, 50-50 यानी कि 50-50 का हिस्सा देते थे। दो पार्ट किया जाता था, दो पार्ट के बजाय इन्होंने तीन पार्ट की मांग की कि तीन पार्ट किया जाए, दो पार्ट ना किया जाए। और तीन पार्ट में दो पार्ट जो है बटाईदारों को दिया जाए यानी कि शेयर क्रॉपर को दिया जाए, और एक पार्ट जो है लैंडलॉर्ड्स को दिया जाए यानी कि जो जमींदार है उनको दिया जाए। द क्रॉप शेयरिंग सिस्टम एट दैट टाइम वॉज नोन एज बरगा। उस वक्त जो क्या क्रॉप शेयरिंग सिस्टम था बंगाल में, उसका नाम क्या था? बरगा था या अधि था या भागी था? अधि, भागी, ये सब चीजें। ठीक, तो क्रॉप शेयरिंग सिस्टम जो सिस्टम था उसको बरगा कहा जाता था, अधि कहा जाता था या भागी कहा जाता था, ये सब नामों से क्रॉप शेयरिंग सिस्टम को जाना जाता था। एंड द शेयर क्रॉपर, और जो शेयर क्रॉपर थे यानी कि जो कर रहा था शेयर क्रॉपिंग, ठीक, जो भागी अधि या बरगा कर रहा था उसको क्या कहा जाता था? बरगादार्स और आदियार्स कहा जाता था। तो मैंने पहले ही बताया बरगादार्स या आदियार्स कहा जाता था इसको। ठीक, जो भी शेयर क्रॉपर्स थे उनको बरगादार्स या आदियार्स कहा जाता था, और जो सिस्टम था उसको बरगा, अधिया या भागी कहा जाता था। उस समय फसल बंटवारे की व्यवस्था को बरगा, आदि और भागी कहा जाता था, भागी आदि नामों से जाना जाता था। तो बरगा आदि और भागी नामों आदि नामों से जाना जाता था। और बटाईदारों को यानी कि जो ये सब काम करते थे बरगा आदि और भागी काम करते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको बरगादार और अधियार कहा जाता था। अधियार हो गई है, अधीर नहीं हो, अधियार कहा जाता था। ठीक, बरगादार या अधियार कहा जाता था। कॉजेस क्या था तिभागा मूवमेंट का? तिभागा मूवमेंट की वजह क्या थी, कारण क्या था? फर्स्ट द डिमांड, तो पहली वजह क्या थी? दे डिमांडेड दैट द शेयरिंग ऑफ द प्रोड्यूस इनटू हाफ वाज नॉट जस्टिफाइड। ये कहते थे कि आधे आधे में शेयर करना जो है, आधा आधा शेयर करना ये जस्टिफाइड नहीं है, ये जो है सही नहीं है कि आधा जो है जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको आधा मिल रहा है, और जो कुछ भी नहीं कर रहा है सिर्फ उसकी ज़मीनें हैं उसको आधा मिल रहा है। इस शेयरिंग के खिलाफ जो है सबसे पहले डिमांड उठी थी। सबसे पहले उन्होंने मांग की कि उपज का आधे हिस्से में बंटवारा न्यायोजित नहीं है, मतलब ये अन्याय, न्यायोजित नहीं है मतलब अन्याय है। तो अगर जो है शेयरिंग का जो भी उपज है उसका आधा हिस्सा किया जाए और आधा बटियार को और आधा जमींदार को दिया जाए तो ये न्यायोजित नहीं है, ये अन्याय है। ठीक, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। एज द टेनेंट्स मेड मोस्ट ऑफ द लेबर एंड अदर इन्वेस्टमेंट एंड सिंस द लैंड ओनर्स पार्टिसिपेशन वॉज वेरी लेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस द टेनेंट्स बिलीव दैट द लेटर शुड बी गेटिंग ओनली 1/3 ऑफ द क्रॉप शेयर एंड नॉट हाफ ऑफ इट। अब इसका रीजन क्या था? क्यों ये कह रहे थे कि 50% से ज़्यादा नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये माना जाता था कि जो टेनेंट्स थे, जो किराएदार थे, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट होती थी, वही खुद इन्वेस्ट करते थे, मेहनत भी उनकी होती थी, और जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था, उनका सिर्फ लैंड होता था, बाकी उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट होता था। तो इसीलिए उनको 1/3 ही दिया जाना चाहिए, 2/3 जो है वो बटाईदारों को यानी कि शेयर क्रॉपर्स को दिया जाना चाहिए। ठीक, हाफ नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी मेहनत भी कम है, उनका इन्वेस्टमेंट भी कम है, और सिर्फ उनकी ज़मीनें हैं, बाकी सब जो है काम कौन कर रहा है? जो किराएदार है, जो टेनेंट्स है, जो शेयर क्रॉपर है, वो सारे काम कर रहा है, वही जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है,
वही मेहनत भी कर रहा है, फिर भी जो है आधा उनको दिया जा रहा है आधा इनको दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि ये जस्टिफाइड नहीं है। जैसा कि काश्तकारों ने अधिकांश श्रम और अन्न निवेश किया है, तो अधिकांश श्रम और अन्न निवेश किया है, ठीक, बहुत सारे निवेश करते हैं, और अधिकांश श्रम जो है वो कौन करता है, काश्तकार ही करते हैं, यानी कि जो बटाईदार होते हैं वही करते हैं। और चूंकि भूमि के मालिक की भागीदारी उत्पादन प्रक्रिया में बहुत कम थी, तो भूमि के मालिक की जो भागीदारी है वो उत्पादन प्रक्रिया में या तो होती नहीं थी या बहुत कम होती थी, ठीक। सिर्फ उनकी जमीनें हैं, वही जो भागीदार आप समझ लीजिए वही है, ठीक। तो भागीदारी प्रक्रिया में सिर्फ उनकी जमीनें होती थी, इसीलिए उनके उत्पादन की प्रक्रिया जो है उसमें भागीदारों की जो मालिक जो है उनकी भागीदारी बहुत कम होती, ठीक। इसीलिए काश्तकारों का ये मानना था कि जो जमींदार हैं बाद वाले, यानी कि जो जमींदार हैं उनकी फसल का केवल एक तिहाई हिस्सा ही मिलना चाहिए, उनको जो है फसल का केवल एक तिहाई हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, तो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही उनको हिस्सा दिया जाना चाहिए, तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अगर उनकी ज़मीन है तो उस ज़मीन के बिना पे उनको सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही दिया जाना चाहिए। सेकेंडली, दूसरा रीजन क्या था इस मोमेंट का, द टेनेंट्स वर रिक्वायर्ड टू स्टोर देयर ग्रेन एट द ग्रेनरी ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो जो टेनेंट्स होते थे, जो किरायेदार होते थे, उनके पास ग्रेनरी नहीं होती थी, ग्रेनरी नहीं होती थी, तो जो ग्रेन है वो उनको अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ ही स्टोर करना होता था। एंड हैड टू शेयर द स्टॉक एंड अदर बाई प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेन ऑन हाफ शेयरिंग बेसिस, ठीक। और उस ग्रेन को रखने के लिए, उस ग्रेन को स्टोर करने के लिए जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो क्या कहते थे कि जो भी ग्रेन के अलावा जो भी बची कुछ चीज़ें हैं, बाई प्रोडक्ट हैं, वो सारी चीज़ों का भी हाफ हिस्सा शेयर करना होगा, वो सारी चीज़ों का भी हाफ हिस्सा शेयर करना होगा, क्योंकि जो फसल होती है, जो ग्रेन होता है, वो ग्रेन के बाद जो है जो बाकी हिस्सा होता है वो ईंधन के तौर पर पहले लगाया जाता था। पहले जो है लोग जब खाना मतलब कुछ लकड़ी वगैरह पे बनाते थे, तो ये जो प्लांट होते थे ग्रेन वगैरह के, उनका इस्तेमाल किया जाता था सुखा के खाना बनाने के लिए। तो इसीलिए लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे कि अगर आप हमारे ग्रेनरी में स्टोर करेंगे, क्योंकि जो ग्रेनरी जो है वो टेनेंट्स के पास थी नहीं, किराएदारों के पास ग्रेनरी थी नहीं, तो ये लोग खुद ग्रेनरी बना के रखते थे लैंडलॉर्ड्स, और ये कहते थे कि अगर आप हमारे ग्रेनरी में जो है वो अपना ग्रेन स्टोर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी स्ट्रॉ या जो भी बाय प्रोडक्ट निकल रहा है उस क्रॉप से वो भी शेयर करना पड़ेगा हाफ बेसिस पे, हाफ शेयरिंग बेसिस पे, मतलब कि 50-50% जो है वो शेयर करना पड़ेगा। दूसरे काश्तकारों को अपने अनाज को जमींदार के अन्न भंडार में जमा करना होता था, तो जमींदार के ही अन्न भंडार में इनको जमा करना होता था, क्योंकि जमींदार के पास ही अन्न भंडार होता था, काश्तकारों के पास जो है या बटाईदारों के पास जो है वो अन्न भंडार नहीं होता था। और भूसे और अनाज के अन्न उप उत्पादों को सीधे हिस्से में बांटना पड़ता, आधे हिस्से में बांटना पड़ता, ठीक। तो इसके बदले में क्या करना पड़ता था, अपनी अनाज को भंडार में जमा करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, जो भूसा होता था, ये जो भी बाई प्रोडक्ट होता था, उप उत्पाद होते थे, उन सब का आधा आधा हिस्सा करना पड़ता था। तो ग्रेन का तो हिस्सा कर ही लेते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, अगर आप हमारे यहाँ अन्न जो है उसको जमा करेंगे तो उस हमारे अन्न भंडार में अगर उसको जमा करेंगे तो उसका जो किराया होगा वो आपका जो बाई प्रोडक्ट है, जो फसल का जो है उप उत्पाद है या भूसा है, उन सब में भी आधा आधा हिस्सा करना पड़ेगा। तो उसका काम या तो ईंधन के लिए होता था या जो गाय भैंस होती थी उनको खिलाने के लिए होता था। द टेनेंट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड टू फॉलो दिस रूल, और इस रूल को मानने के लिए जो किराएदार थे, जो बटाईदार थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, इस टेनेंट्स और जो टेनेंट्स थे वो इस रूल को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आप स्टोर कर रहे हैं तो आधा आपको देना पड़ेगा। किराएदार इस नियम का पालन करने को तैयार नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि हमें इस नियम का पालन करना पड़े, किसी भी कीमत पे वो तैयार नहीं थे कि वो इस नियम का पालन करें। तो ये भी एक रीजन था तिभागा मूवमेंट का। द टेनेंट्स टूक द स्टैंड दैट द स्टॉक ऑफ द हार्वेस्ट वुड बी स्टोर्ड एट द टेनेंट्स कंपाउंड एंड द लैंडलॉर्ड्स वुड नॉट बी गेटिंग एनी ऑफ द शेयर्स फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट ऑफ द ट्रेड।
तो टेनेंट्स ने क्या फैसला किया कि अब कोई भी लैंडलॉर्ड्स के यहाँ जो है अपने ग्रेन को स्टोर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा वो टेनेंट्स कंपाउंड में ही स्टोर करेगा और लैंडलॉर्ड्स को कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक, लैंडलॉर्ड्स को कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा और टेनेंट्स अपने कंपाउंड में ही अपना जो ग्रेन है उसको स्टोर करेंगे। ठीक, काश्तकारों का मत था कि फसल का स्टॉक काश्तकारों के परिसर में ही रखा जाएगा। काश्तकारों का जो स्टॉक है वो काश्तकारों के परिसर में ही रखा जाएगा, क्यों? ताकि जो है जो भूसे हैं या जो उत्पाद हैं उनको शेयर ना करना पड़े और जमींदार को अनाज के उप उत्पादों में से कोई हिस्सा नहीं मिले। और ये उन्होंने फैसला किया कि कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर उनके यहाँ वो लोग जमा करते तो हिस्सा देना पड़ता, इसीलिए उन्होंने कहा कि काश्तकारों के ही कंपाउंड में ही जमा करना, उन्हीं के परिसर में ही जमा करना है ताकि आपको जो है हिस्सा ना देना पड़े। ठीक, द बेरिगल प्रोविंशियल कृषक सभा ऑर्गेनाइज द मूवमेंट ऑफ तिभागा। तो तिभागा मूवमेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? एक कृषक सभा थी, किसान सभा थी, जिसका नाम था बेरिगल प्रोविंशियल कृषक सभा, द बेरिगल प्रोविंशियल कृषक सभा। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हु ऑर्गेनाइज द तेलंगाना मूवमेंट और तेलंगाना पीजेंट सभा। सो ये आंसर रहेगा आपका द बेरिगल प्रोविंशियल कृषक सभा। द बेरिगल प्रोविंशियल कृषक सभा ने ही ऑर्गेनाइज किया था तिभागा मूवमेंट को, यानी कि तिभागा पीजेंट स्ट्रगल। बेरिगल प्रांतीय कृषक सभा ने तिभागा के आंदोलन का आयोजन किया था। तिभागा के आंदोलन का आयोजन किसने किया था? बेरिगल प्रांतीय कृषक सभा ने किया था। द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द 19 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल। ये कितने डिस्ट्रिक्ट में फैल गया था? बंगाल की 19 डिस्ट्रिक्ट तक ये मूवमेंट जो है वो फैल गया था। बंगाल की 19 डिस्ट्रिक्ट तक ये मूवमेंट फैल गया था। आंदोलन बंगाल के 19 जिलों में फैल गया। ठीक, तो आंदोलन बंगाल के 19 जिलों तक फैल गया था, इतना बड़ा हो गया था ये मूवमेंट। ठीक, द लैंडलॉर्ड्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ द टेनेंट्स एंड कॉल द पुलिस। ठीक, तो लैंडलॉर्ड्स ने जो है उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और जो है पुलिस को बुला लिया। ठीक, लैंडलॉर्ड्स ने जो है जो टेनेंट्स की डिमांड थी उसको मानने से मना कर दिया और पुलिस को बुला लिया। जमींदारों ने किराएदारों की मांग को मानने से इनकार कर दिया और पुलिस को बुला लिया। तो जमींदार जो है वो जो तीन पार्ट्स वाला स्कीम था, यानी कि दो तिहाई जो है बटाईदारों को मिलना चाहिए और एक तिहाई जो है वो जमींदारों को मिलना चाहिए, दो तिहाई जो शेयर क्रॉपर है उनको मिलना चाहिए और वन थर्ड लैंडलॉर्ड्स को मिलना चाहिए, इस डिमांड को इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस आती है तो क्या होता है, आउटकम क्या था इसका, रिजल्ट क्या हुआ? दिस एक्शन मेड द टेनेंट्स मोर फ्यूरियस। अब ये जो हुआ, मतलब पुलिस को बुलाने की वजह से क्या हुआ कि जो टेनेंट्स का जो स्ट्रगल था वो और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा उग्र हो गया। फ्यूरियस कहते हैं बहुत खतरनाक हो जाना। ठीक, दिस एक्शन मेड द टेनेंट्स मोर फ्यूरियस। तो इस एक्शन की वजह से, पुलिस बुलाने की वजह से जो किसान थे, जो किराएदार थे, वो और उग्रवादी हो गए और गुस्से में हो गए। एंड दे स्टार्टेड अ न्यू स्लोगन, और उन्होंने एक नया स्लोगन शुरू किया। पहले तो तीन भाग वाला स्लोगन था कि तीन भाग किया जाए, एक भाग जो है दिया जाए जमींदारों को, बाकी दो भाग जो है वो बटाईदारों का रहेगा। तो इन्होंने जब ये इन्होंने पुलिस को बुला लिया तो एक नया स्लोगन बन गया, जिसका मकसद क्या था, एबॉलिश द होल जमींदारी सिस्टम। तो अब इन्होंने क्या किया, होल जमींदारी सिस्टम को ही खत्म करना था, एक नया स्लोगन चला दिया कि अब जमींदारी सिस्टम को ही खत्म कर लो। जमींदारी पहले तो इन्होंने कहा ठीक है जमींदारी सिस्टम रहेगा, जिसमें दो भाग जो है हमको मिलना चाहिए, एक भाग जो है जमींदार को मिलना चाहिए। जब उन्होंने पुलिस को बुला लिया और ये डिमांड मानने से मना कर दिया, तो इन्होंने एक नया स्लोगन चलाना शुरू किया कि पूरी जमींदारी सिस्टम को ही खत्म करना। इस कार्रवाई से कार्रवाई ने काश्तकारों को और उग्र बना दिया। इस कार्रवाई की वजह से जो काश्तकार थे वो और उग्र हो गए थे, और इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए एक नया नारा शुरू कर दिया। ठीक, उन्होंने एक नया नारा दिया जिसमें ये कहा गया कि जमींदारी व्यवस्था को ही ख़त्म किया जाना चाहिए।
इन फ्यू प्लेसेस ऑफ द तिभागा मूवमेंट द पीजेंट डिक्लेयर्ड देयर जोन एज तिभागा एरियाज। ठीक, तो कुछ ऐसी जगहें थी तिभागा मूवमेंट की जहाँ पे पीजेंट ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि ये तिभागा एरिया है, तिभागा जोन है। ठीक, एंड मेनी तिभागा कमिटीज वर सेटअप, और बहुत सारी तिभागा कमिटीज को सेटअप कर दिया था इन ऑर्डर टू गवर्न द एरिया लोकली, ताकि जो है उस एरिया को लोकली गवर्न किया जा सके। कि तीन भाग में सारी चीजें बट रही हैं कि नहीं बट रही। तिभागा आंदोलन के कुछ स्थानों पर किसानों ने अपने क्षेत्र को तिभागा क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया था। ठीक, तो ये आंदोलन इतना उग्र हो गया था, इतना बढ़ गया था कि ये लोग अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगे। पहले तो स्लोगन दिया कि जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, और कुछ प्लेसेस ऐसे थे जिनको तिभागा एरिया के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया, और एक तिभागा कमेटी बनाई गई जो उनकी देखरेख करती थी, उस एरिया की देखरेख करती थी। तिभागा आंदोलन के कुछ स्थानों पर किसानों ने अपने क्षेत्रों को तिभागा क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया था, और स्थानीय स्तर पर शासन करने के लिए कई तिभागा समिति की स्थापना की गई। और स्थानीय स्तर पर शासन करने के लिए कई तिभागा समिति की स्थापना की गई ताकि स्थानीय स्तर पर जो एरिया, जो क्षेत्र घोषित किए गए हैं तिभागत के तौर पे, उनकी देखभाल की जा सकती है। सच काइंड ऑफ तिभागा एरियाज वर एस्टेब्लिश एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसोर, दिनाजपुर एंड जलपाईगुड़ी। ये तिभागा एरियाज कहाँ कहाँ पे ज्यादा एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा एस्टेब्लिश हुई थी, जैसोर, दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी। इन तीनों एरियाज में सबसे ज्यादा तिभागा एरिया को घोषित किया गया। इस प्रकार के तिभागा क्षेत्र जैसोर, दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी जिलों में स्थापित किए गए। तो ये जिले थे जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है तिभागा क्षेत्र बनाया गया। द बिल प्रपोज टू रिफॉर्म द भागी सिस्टम ऑफ द कंट्री, तो एक बिल प्रपोज की गई थी ताकि जो है जो भागी सिस्टम है, यानी कि जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम है कंट्री का, उसको जो है उसमें रिफॉर्म किया जाए, उसमें रिफॉर्म लाया जाए। विच कॉज द एग्रेरियन अनरेस्ट, जिसकी वजह से जो है क्या हुआ, एग्रेरियन अनरेस्ट हुआ, मतलब भागी सिस्टम की वजह से एग्रेरियन अनरेस्ट हुआ था, तो उसको उसमें रिफॉर्म करने की एक बिल पेश की गई। इस विधेयक में देश की भागी व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव था, जिसके कारण कृषि अशांति हुई। तो कृषि अशांति जिसके कारण हुई, जिस व्यवस्था के कारण, भागी व्यवस्था के कारण, उसमें एक सुधार का प्रस्ताव दिया गया। ठीक, अब वो प्रस्ताव माना गया था कि नहीं देखते हम लोग। हाउएवर ड्यू टू सर्टेन अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कुछ दूसरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से इन द कंट्री द गवर्नमेंट कुड नॉट इनैक्ट द बिल इन टू अ लॉ। गवर्नमेंट जो है उस बिल को लॉ में कन्वर्ट नहीं कर पाई, उसमें जो है लॉ में चेंज नहीं कर पाई। इस बिल इनैक्ट करना होता है, कोई भी बिल पास होती है तो उसको लॉ के तौर पे इनैक्ट करना होता है, तो लॉ के तौर पे इनैक्ट नहीं कर पाए गवर्नमेंट की कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से। ठीक, हालांकि देश में कुछ अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण सरकार इस विधेयक को कानूनी नहीं बना सकी। ठीक, तो इस विधेयक को कानून नहीं बना सकी। कोई भी विधेयक अगर पास होता है तो उसको कानून बनाना होता है, लेकिन कुछ जो है राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हो गए जिसकी वजह से सरकार जो है उनको उस विधेयक को, जिस विधेयक में ये था कि भागी सिस्टम का रिफॉर्म किया जाए, उस विधेयक को जो है ये कानून नहीं बना पाई। द इलीगल एग्जेक्शन इन द नेम ऑफ अबवाब्स वाज आल्सो एबॉलिश्ड, अबवाबों के नाम पर अवैध वसूली भी समाप्त कर दी। और इसमें क्या हुआ कि एक इलीगल एग्जेक्शन था, एक इलीगल वसूली थी, इलीगल वसूली थी जिसका नाम क्या था, अबवाब था, उस नाम से वसूला जाता था, उसको भी एबॉलिश किया गया। अबवाब के नाम पर अवैध वसूली भी समाप्त की गई। It has been estimated that about 40% of the sharecropping peasants were granted the tibhaga right by landlords themselves. So it has been estimated, मतलब तकरीबन 40% जो है sharecropping peasants जो थे उनको tibhaga right दे दिया गया, मतलब कि landlords के जरिए उनको tibhaga right दे दिया गया। ठीक है, आप जो है जो भी क्रॉप, जो भी उपज होगी, जो भी प्रोडक्शन होगा, उसका तीन पार्ट कर लीजिएगा, एक पार्ट, दो पार्ट खुद ले लीजिएगा, एक पार्ट हमको दे दीजिए। तो लैंडलॉर्ड्स ने ये ग्रांट कर दिया था तकरीबन 40% शेयर क्रॉपर को। ठीक,
यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 40% बटाईदार किसानों को तिभागा का अधिकार स्वयं जमींदार द्वारा दिया गया। ठीक, तो तिभागा का अधिकार जो है वो जमींदार ने खुद दिया था तकरीबन 40% बटाईदार। ठीक, तकरीबन 40% बटाईदारों को तिभागा का अधिकार जो है वो जमींदारों ने खुद दे दिया। ईस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एंड टेनेंसी एक्ट ऑफ 1950 वाज पास्ड ड्यू टू द इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के इनिशिएशन की वजह से एक बिल भी पास हुआ था, एक एक्ट भी पास हुआ था। कौन सा नाम था उसका? ईस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एंड टेनेंसी एक्ट 1950। 1950 में ये एक्ट पास हुआ था। क्या नाम था उसका? ईस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एंड टेनेंसी एक्ट। आंदोलन की शुरुआत के कारण 1950 का पूर्वी बंगाल राज्य अधिग्रहण और किरायेदारी अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, आंदोलन की शुरुआत के कारण 1950 का पूर्वी बंगाल राज्य अधिग्रहण और किरायेदारी अधिकार अधिनियम भी पारित किया गया था। तो यहाँ तक हम लोग जो है एग्रेरियन अनरेस्ट कर चुके हैं। एग्रेरियन अनरेस्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्रेरियन अनरेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो उसके बाद आता है एग्रेरियन अनरेस्ट के बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट। मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट, उत्पादन के तरीके पर बहस। मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट यानी कि उत्पादन के तरीके पर बहस। द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट इन इंडियन एग्रीकल्चर इज इन अ वे एन ऑफशूट ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द फॉर्म मैनेजमेंट स्टडीज कंडक्टेड इन द मिड 1950s। भारतीय कृषि में उत्पादन बहस का तरीका एक तरह से 1950 के दशक के मध्य में किए गए कृषि प्रबंधन अध्ययन के निष्कर्षों की उपज है। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट क्यों हुआ था? एक फॉर्म मैनेजमेंट स्टडीज हुई थी जो 1950 में हुई थी, मिड 1950 में हुई थी, जो क्या थी? एन ऑफशूट ऑफ द फाइंडिंग ऑफ फॉर्म मैनेजमेंट स्टडीज। तो ये एक तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट जो है इसका रिजल्ट था किसका? फॉर्म मैनेजमेंट स्टडीज का, जो कब हुई थी? 1950 में। भारतीय कृषि में उत्पादन बहस का तरीका एक तरह से 1950 के दशक के मध्य में किए गए कृषि प्रबंधन अध्ययन के निष्कर्षों की उपज थी। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट क्या है? एक तरह का एक डिबेट था जो कई जो है जो रूरल सोशियोलॉजिस्ट थे, जो एग्रीकल्चरल सोशियोलॉजिस्ट थे, जो एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने ही जो है इस डिबेट को किया था। अभी हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए थे। तो इसी को मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट कहा जाता था। दो डिबेट हुए थे, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट फर्स्ट एंड सेकेंड। स्कॉलर सच एज अशोक रुद्रा, उत्साह पटनायक, पारेश चट्टोपाध्याय, अमित भादुरी, निर्मल चंद्रा कंट्रीब्यूटेड टू दिस डिबेट। तो इन्होंने पार्ट लिया था इस डिबेट में,
ये सारे थिंकर्स थे, ये था सारे सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसमें पार्ट लिया। सोशोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, तो ये सारे स्कॉलर कह सकते हैं, स्कॉलर थे जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था। अशोक रुद्रा, उषा पटनायक, परेश चट्टोपाध्याय, अमित भदुरी, निर्मल चंद्रा, इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया था इस डिबेट में। अशोक रुद्र, उषा पटनायक, परेश चट्टोपाध्याय, अमित भदुरी, निर्मल चंद्र जैसे विद्वानों ने इस बहस में योगदान दिया। तो एक तरह की बहस थी, एक तरह का डिबेट था। अब डिबेट किसके लिए था, उसका रीजन क्या था, डिबेट का कारण क्या था। इन इंडिया द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट जो स्टार्ट हुआ था वो किस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट हुआ था, एज टू व्हाट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चरल इंटेल। मतलब कि जो एग्रीकल्चर में कैपिटलिज्म है उसका क्या मतलब, व्हाट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर इंटेल, जो भी एग्रीकल्चर में कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है उसका क्या मतलब हो। भारत में उत्पादन के तरीके पर बहस इस सवाल के साथ शुरू हुई थी कि कृषि में पूंजीवाद का विकास क्या है, मतलब कृषि में जो पूंजीवाद का विकास हो रहा था वो क्या है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, कृषि में पूंजीवाद का यानी कि एग्रीकल्चर में कैपिटलिज्म का जो है डेवलपमेंट हो रहा था, तो ये क्या है, क्यों हो रहा है, इसकी बहस थी। देयर वर टू अप्रोचेस टू दिस। अब इसके दो अप्रोच थे, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट में दो अप्रोच थे, दो दृष्टिकोण थे इसके। फर्स्ट, डिड नॉट सी एनी क्वालिटेटिव डिफरेंस इन ग्रोथ ऑफ कैपिटलिस्ट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एक्सेप्ट फॉर वेरिंग स्पीड ऑफ ट्रांजिशन। तो पहले वाले लोग, पहला अप्रोच क्या था जिसमें ये माना जाता था कि जो ब्रिटिश टाइम पे जो कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ था एग्रीकल्चर में, या उसके बाद इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद जो कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, बस स्पीड का चेंज है। पहले जो है स्पीड कम थी, अब स्पीड ज़्यादा है, बस यही एक क्वालिटेटिव डिफरेंस था, बाकी कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आया था, कोई मतलब इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। तो कैपिटलिज्म का जो ग्रोथ पहले था ब्रिटिश के टाइम पे, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट के बाद जो ग्रोथ हुआ, उसमें कोई डिफरेंस पहला अप्रोच नहीं देखता, और ये कहता है कि सिर्फ स्पीड का डिफरेंस है। ठीक, पहले औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के भारत के बीच उत्पादन के पूंजीवादी संबंधों के विकास में कोई गुणात्मक अंतर नहीं देखा गया, सिवाय संक्रमण की अलग अलग गति। तो पहले जो औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के भारत के बीच उत्पादन के पूंजीवादी संबंधों के विकास में कोई गुणात्मक अंतर नहीं देखा गया, मतलब कि जो पूंजीवादियों का जो डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश के टाइम पे, यानी कि जो अंग्रेजों के टाइम पे, या स्वतंत्रता के बाद जो डेवलपमेंट हुआ पूंजीवादी का, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ गति का फर्क था। ठीक, सिर्फ गति का फर्क। According to this viewpoint, the growth of wage, अब इस viewpoint के according अगर देखेंगे तो growth of wage paid labor as part of the process of commercialization of agriculture was exploitative in nature. तो ये इनका क्या कहना था, इस अप्रोच का क्या कहना था कि जो वेज लेबर हैं, वेज पेड लेबर हैं, इस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक, जो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है उसकी वजह से जो पेड लेबरर्स हैं, यानी कि जो मजदूर हैं, जो मजदूरी पे काम करने वाले लोग हैं, उनका एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, उनको जो है उनका शोषण किया जा रहा है। ठीक, इस दृष्टिकोण के अनुसार कृषि के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वेतन प्रदत्त श्रम की वृद्धि प्रकृति में शोषक थी। ठीक, तो ये इस दृष्टिकोण का ये मानना था, इस अप्रोच का ये मानना था कि जो कृषि का व्यवसायीकरण हो रहा है, तो कृषि के व्यवसायीकरण की वजह से जो मजदूर हैं, जो खेती करते हैं, मजदूर ऐसे मजदूर जो खेती में काम करते हैं, उनका जो है शोषण हो रहा है। ठीक, उनका शोषण हो रहा है, तो इसका मतलब कि अगर व्यवसायीकरण हो रहा है कृषि का, तो उनका शोषण हो रहा है। ठीक, तो ये इस अप्रोच का मानना।
The landlord's petty tenants relationship was interpreted as a capitalist. One ignoring the difference between profit and tenant. जमींदार शुद्र किराएदार संबंध की व्याख्या पूंजीपति के रूप में की जाती थी, जो लाभ और किराए के बीच अंतर को अनदेखा करते थे। तो यहाँ पे देखिए, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे या पेटी टेनेंट्स होते थे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था? इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था? एक कैपिटलिस्ट का रिलेशन थी। तो कैपिटलिस्ट का काम क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट कमाना। रेंट और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है उसको इग्नोर करते थे, बल्कि उनको जितना प्रॉफिट लेना होता था वो लेते थे। अब उसमें प्रॉफिट और रेंट में क्या डिफरेंस है उनसे मतलब नहीं होता। जमींदार क्षुद्र किराएदार संबंध की व्याख्या, मतलब जो जमींदार या क्षुद्र किराएदार थे उनके बीच में जो संबंध थी वो क्या थी? पूंजीपति वाला संबंध था। उनको लाभ और किराए के बीच में कोई अंतर नहीं दिखता था, उसको ये लोग अनदेखा करते थे। ठीक। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो द सेम ट्रेंड्स कंटिन्यू बट एट अ मच फास्टर पे। और उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट के बाद भी यही ट्रेंड चलता रहा, लेकिन थोड़ा फास्ट रेट हो गया, मतलब रेट थोड़ा स्पीड जो है वो फास्ट हो गया। आज़ादी के बाद भी यही प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन बहुत तेज गति से। ठीक। यही प्रवृत्ति, मतलब उनका शोषण किया जा रहा था लेकिन थोड़ा सा तेज गति से किया जा रहा था। ठीक। पहले आज़ादी से पहले थोड़ा स्लो गति थी, मतलब कि कम धीमी गति थी, लेकिन आज़ादी के बाद इसको बढ़ा दिया। द सेकेंड अप्रोच, अब सेकेंड अप्रोच का क्या मानना था? द सेकेंड अप्रोच स्ट्रेस अ डेफिनेट क्वालिटेटिव डिफरेंस। सेकेंड अप्रोच ये कहते हैं कि एक क्वालिटेटिव डिफरेंस तो था इंडिपेंडेंट से पहले और इंडिपेंडेंट के बाद, एक क्वालिटेटिव डिफरेंस तो था बिटवीन द कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। तो इंडिपेंडेंट के पहले जो कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर में, या इंडिपेंडेंट के बाद जो कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर में, दोनों में बहुत बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस था, ये सेकंड अप्रोच मानते थे। तो ये मानते थे कि जो कॉलोनियल पीरियड में जो कमर्शियलाइजेशन हुआ था एग्रीकल्चर का, या इंडिपेंडेंट के बाद जो कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, उन दोनों में बहुत ही बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस था। दूसरे दृष्टिकोण ने कृषि में पूंजीवादी उत्पादन के विकास की औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित गुणात्मक अंतर पर बल दिया। ठीक। तो दूसरा जो दृष्टिकोण ये मानता था कि आजादी से पहले जो जो पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया थी, कृषि में जो पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया थी, या कहेंगे कि कृषि में जो पूंजीवादी उत्पादन का विकास हुआ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो कृषिवादी उत्पादन का विकास हुआ, वो उन दोनों में बहुत ही बड़ा जो है गुणात्मक अंतर देखा गया। तो ये दूसरे दृष्टिकोण की ये लोग मानते हैं कि इसमें अंतर देखा गया। पहले के लोग क्या मानते थे? पहला जो दृष्टिकोण था वो लोग क्या मानते थे कि कोई भी अंतर नहीं है, बस खाली स्क्रीन का डिफरेंस है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण वाले मानते थे कि इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अब वो अंतर क्या है आगे हम लोग देखते हैं। द कॉलोनियल सेटअप वाज रेवेन्यू कम रेंट एक्सप्लॉयटेटिंग इन नेचर विच लीड टू पॉपुलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स रादर देन प्रोलिटेरियाइजेशन। ठीक। प्रोलिटेरियाइजेशन के बजाय जो है ये पॉपुलाइजेशन में कन्वर्ट हुआ। ठीक। औपनिवेशिक व्यवस्था राजस्व सहलगान प्रकृति की थी, जिसमें सर्वहाराकरण के बजाय किसानों को दरिद्र बना दिया। ठीक। तो कॉलोनियल सेटअप जो था उसमें क्या हुआ, जो रेवेन्यू कम रेंट सिस्टम जो कॉलोनियल सिस्टम पे था, उसने जो है एक्सप्लॉयट किया इस तरह से, इतना एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर था कि उसने पॉपुलाइजेशन के बजाय पीजेंट का जो है पॉपुलाइजेशन किया राजर देन प्लॉडिटेरियाइजेशन। तो उनका सर्वहाराकरण के बजाय जो है किसानों को दरिद्र बना दिया। ठीक। और दूसरा क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ उनके साथ? पोस्ट इंडिपेंडेंस इवन दो द एग्रेरियन स्ट्रक्चर कैरीड दिस लेगेसी इन द फॉर्म ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट
the new economic environment initiated a new phase of agrarian accumulation. तो ये कहते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट जो है इसने भी एग्रेरियन स्ट्रक्चर को कैरिड आउट किया, किस फॉर्म में, उसी लेगेसी को फॉर्म किया, एक्सप्लॉयटेटिव लेगेसी ही थी, किस फॉर्म में किया था ये, अंडर एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी किया, अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी किया, लेकिन एक नई इकोनॉमिक एनवायरमेंट जो है वो इनिशिएट हुई जिसमें एक नया एग्रीकल्चरल एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक, आज़ादी के बाद भले ही कृषि संबंधी संरचना की इस विरासत को बेरोजगारी के रूप में आगे बढ़ाया, ठीक, तो इसने जो है बेरोजगारी के रूप में उसी संरचना को आगे बढ़ाया, लेकिन नए आर्थिक वातावरण ने कृषि संचय के एक नए चरण की शुरुआत, लेकिन जो नया आर्थिक वातावरण बना आज़ादी के बाद उसने जो है कृषि संचय के एक नए चरण की शुरुआत की। ठीक, तो ये डिबेट थी, दो अप्रोच थे इसके, एक कहता है कि डिफरेंस नहीं है, कोई भी क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्पीड का डिफरेंस है, लेकिन एक कहता है कि स्पीड का सिर्फ डिफरेंस नहीं है बल्कि बहुत बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस है, पहले ये एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर था, अब जो है एक नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से एक नया इन्वायरमेंट डेवलप हुआ, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से एक अलग तरह का फेज शुरू हुआ, एक अलग तरह का चरण शुरू हुआ। ठीक, तो ये दोनों डिबेट थी, दो अप्रोच थे इस डिबेट के, ठीक, मोर ऑफ प्रोडक्शन डिबेट के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता। तो कम्युनलिज्म की डेफिनेशन क्या है? कम्युनलिज्म टीचेस द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन टू हैव हेट्रेड अगेंस्ट द फॉलोअर ऑफ अदर रिलीजन और कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज। तो कम्युनलिज्म क्या करता है, एक तरह से सिखाता है किसी एक रिलीजन के मानने वाले को कि वो दूसरे रिलीजन के जो फॉलोअर हैं उनके खिलाफ एक दुश्मनी का व्यवहार रखते हैं। ठीक, तो कम्युनलिज्म हमेशा यही सिखाएगा कि जो है जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के मानने वाला जो पर्सन है उसके माइंड में जो है एक तरह का हेट्रेड भर देगा, किसके लिए, जो अदर रिलीजन के लोग हैं उनको। ठीक, जैसे अभी जो है इंडिया में कम्युनलिज्म का बहुत ही बोलबाला चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। ठीक, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म के अनुयायियों को अन्य धार्मिक समुदायों के अनुयायियों के प्रति घृणा रखने का उपदेश देती है। तो सांप्रदायिकता क्या करती है? सांप्रदायिकता एक धर्म के मानने वाले लोगों को दूसरे धर्म के मानने वालों से लड़ाती है, उनके प्रति जो है घृणा पैदा करती है। ठीक, उनको लड़ाती है और उनके प्रति जो है वो घृणा पैदा करती है। ठीक, तो ये सांप्रदायिकता। इट अज्यूम्स दैट द फॉलोअर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन will have common interest that differ from other religion. तो ये माना जाता है कि जो follower हैं एक particular religion के उनका एक जैसा interest होता है, जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम इस्लाम के जो follower होंगे उनका interest अपना अलग होगा, ये माना जाएगा कि जितने मुस्लिम हैं उन सब का interest एक होता है, और जो दूसरे लोग हैं दूसरे religion के लोग हैं जैसे हिंदू हो गए तो हिंदू religion के मानने वाले लोग जो हैं वो उनका interest अलग होता है, ये assume किया था। It assumes that the follower of a particular religion will have common interests that differ from other religions. So, एक religion के लोग मानते हैं कि उनके religion के जो follower हैं उनका common interest है, और जो अलग है किससे, जो दूसरे religion के मानने वाले लोग हैं उनसे। ठीक, ये मानना है कि एक विशेष धर्म के अनुयायियों के समान हित होंगे जो अन्य धर्मों से भिन्न होंगे। ठीक, ये माना जाता है कि एक विशेष धर्म के मानने वाले जितने लोग होंगे उन सब का हित जो है एक समान होगा, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग होंगे उनके हितों से भिन्न होगा, उनके हितों से अलग होगा। ठीक, इन एशियंस कम्युनलिज्म इज अपोज्ड टू सेकुलरिज्म एंड इवन ह्यूमनिज्म। ठीक, अगर देखा जाए तो कम्युनलिज्म जो है वो किसको अपोज करता है? सेकुलरिज्म को अपोज करता है, या ह्यूमनिज्म को ही अप्रोच का जो है वो अपोज करता है। तो सेकुलरिज्म मतलब जहाँ पे सारे धर्म को
या तो अलग कर दिया जाता है या सारे धर्म को इक्वल मान लिया जाता है। ये ह्यूमनिज्म को भी अपोज करता है, मतलब अगर कोई ह्यूमन है तो ऐसा काम नहीं कर सकता। ठीक, अगर कोई ह्यूमन है, ह्यूमन का जो नेचर है उसी को ह्यूमनिज्म कहेंगे, तो ये ह्यूमनिज्म के भी अपोज है। तो ह्यूमन का नेचर ही ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे ह्यूमन बींग के खिलाफ जो है एक तरह का हेट्रेड नहीं होना चाहिए उसके लिए। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनलिज्म जो है वो क्या करता है, वो सेकुलरिज्म को तो अपोज करता है लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ह्यूमनिज्म को भी अपोज करता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और यहाँ तक कि मानवतावाद का भी विरोध करती है। ठीक, तो सांप्रदायिकता क्या करती है, धर्मनिरपेक्षता का विरोध तो करती है। धर्मनिरपेक्षता मतलब या तो धर्म को आप अलग कर देते हैं या सारे धर्म को इक्वल मान लेते हैं। ठीक, तो या तो सांप्रदायिकता क्या करेगी, धर्मनिरपेक्षता को का विरोध करती है, या यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये मानवतावाद का भी विरोध करती है, क्योंकि एक मानव जो है दूसरे मानव के खिलाफ कभी भी घृणा नहीं रख सकता। ठीक, अगर उसके उसके दिल में जो है मानवता है तो वो कभी भी एक मानव जो है दूसरे मानव के खिलाफ घृणा नहीं रख सकता। वेरियस डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा ने कैसे डिफाइन किया है कम्युनलिज्म को, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वेरियस डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, कम्युनलिज्म इज द बिलीफ दैट बिकॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजन दे हैव कॉमन सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये कहते हैं कम्युनलिज्म के एक बिलीफ है, वो किस वजह से है, क्योंकि ये माना जाता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक पार्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं, उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन सोशल इंटरेस्ट होता है, कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है और कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। तो उनका सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कॉमन होता है जो एक रिलीजन के मानने वाले लोग होते हैं। तो ऐसा अगर बिलीफ है तो इसी को क्या कहा जाता है, कम्युनलिज्म कहा जाता है। ठीक, इस तरह के बिलीफ को क्या कहा जाता है, कम्युनलिज्म कहा जाता है। सांप्रदायिकता की विभिन्न परिभाषाएं, बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता ये विश्वास है कि लोगों के एक समूह के एक विशेष धर्म का पालन करने के कारण उनके समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित। तो अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि या व्यक्तियों का समूह ये मानता है कि एक विशेष धर्म के मानने की वजह से उन लोगों का जो है समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित हो, ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति ये मानता है या व्यक्तियों का समूह ये मानता है कि क्योंकि वो एक ही धर्म को मानते हैं इसलिए उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित जो है वो समान हो, ठीक, अगर ऐसी सोच है, ऐसा विश्वास है तो इसको सांप्रदायिकता कहते हैं। He further adds that religious distinction is the fundamental distinction that overrides all other distinction. तो वो आगे कहते हैं कि धार्मिक भेद मूल भेद है और जो अन्य सभी भेदों पर हावी हो जाता है। तो ये माना जाता है, बिपिन चंद्रा ये कहते हैं कि जो religious distinction है, यानी कि जो अलग अलग religion है, religion के बेस पे जो भेद है, जो distinctions है, वो सबसे ज्यादा फंडामेंटल डिस्टिंक्शन होता है और जो सारे डिस्टिंक्शन के ऊपर हावी होता है। मतलब कि बाकी कोई भी चीज जो है अगर नहीं भी है तो चल जाएगा, लेकिन रिलीजियस डिस्टिंक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक, बाकी भेद हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर रिलीजन के बेस पे भेद है तो ये जो है ज्यादा मुश्किल होता है। वो आगे कहते हैं कि धार्मिक भेद मूलभूत भेद होता है, ठीक, फंडामेंटल डिस्टिंक्शन यानी कि मूलभूत भेद होता है जो अन्य सभी भेदों पर हावी होता है, जो अन्य सभी भेदों, क्योंकि सिर्फ रिलीजन के बेस पर भेद थोड़ी होता है, बहुत सारे भेद हो सकते हैं, समाज में आप रहते हैं तो बहुत सारे भेद हो सकते हैं, सोच का भी भेद हो सकता है, ठीक, कलर का भी भेद हो सकता है, और या तो इंटरेस्ट का भी भेद हो सकता है, मतलब कि आपका क्या क्या चाहत है, या मतलब किस तरह से आपके लाइफ स्टाइल पर भी भेद हो सकता है। तो बाकी भेद तो छोड़ दीजिए, बिपिन चंद्रा कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा धार्मिक भेद ही मूलभूत भेद होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भेद जो है वो धार्मिक भेद होता है, जो सारे भेदों पर भी हावी होता है, ठीक, जो सारे भेदों पर हावी होता है।
बिपिन चंद्रा हैज आउटलाइंड थ्री एलिमेंट्स ऑफ कम्युनलिज्म। बिपिन चंद्रा ने जो है तीन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनलिज्म बताए हैं। अब वो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। बिपिन चंद्रा ने सांप्रदायिकता के तीन तत्वों को रेखांकित किया। तो सबसे पहला तत्व क्या है, कम्युनलिज्म इज स्ट्रॉन्ग एमंग दोज पीपल हु हैव कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट। तो कम्युनलिज्म जो है स्ट्रॉन्ग होता है किनके बीच में, एमंग दोज पीपल हु हैव कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट, जिनका कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट होता है उनके बीच में कम्युनलिज्म सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जिनका कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट होगा उनके बीच में कम्युनलिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा कहते हैं सांप्रदायिकता उन लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रबल होगा जिनका समान धर्मनिरपेक्ष हित होगा, जिनका समान धर्मनिरपेक्ष हित होगा उनके बीच में सांप्रदायिकता सबसे ज़्यादा हावी होगी, सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। सेकुलर इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन आर डाइवर्जेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स। विभिन्न धर्मों के धर्मनिरपेक्ष हित अन्य धर्मों से भिन्न होते हैं। अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, सारे सारे रिलीजन के जो सेकुलर इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हर रिलीजन का एक अपना सेकुलर इंटरेस्ट होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेकुलर इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन आर डाइवर्जेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर, एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, बहुत भिन्न होते हैं। विभिन्न धर्मों के धर्मनिरपेक्ष हित अन्य धर्मों से भिन्न होते हैं। इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज आर डिफरेंट एंड हॉस्टाइल टू अदर, और दूसरे अलग अलग कम्युनिटीज का इंटरेस्ट जो है, अलग अलग कम्युनिटीज का जो इंटरेस्ट है, चाहे वो सोशल इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, वो दूसरे लोगों के इंटरेस्ट से, दूसरे कम्युनिटीज के इंटरेस्ट से अलग होता है और हॉस्टाइल होता है। हॉस्टाइल मतलब एक तरह से दुश्मनी की तरह का होता है। विभिन्न समुदायों के हित भिन्न होते हैं और दूसरों के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं। ठीक, तो विभिन्न समुदायों के जो हित होते हैं वो बहुत भिन्न होते हैं। ठीक, और दूसरों के प्रति जो है ये शत्रुतापूर्ण भी होते हैं। ठीक, विभिन्न समुदायों के हित भिन्न होते हैं और दूसरों के प्रति शत्रुतापूर्ण भी होते हैं। नेक्स्ट बी, इसमें क्या कहते हैं कम्युनलिज्म के बारे में, तो डी स्मिथ कहते हैं कम्युनलिज्म एज द फंक्शन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। कम्युनलिज्म क्या है, एक फंक्शन है रिलीजियस कम्युनिटीज का, इन अ वे, इस तरीके से कि जनरली कंसीडर डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द अदर ग्रुप और द नेशन एज अ होल। सांप्रदायिकता एक तरह से धार्मिक समुदायों के कार्य के रूप में आमतौर पर अन्य समूहों का पूरे राष्ट्र के हितों के लिए हानिकारक मानी जाती है। ठीक, तो अगर कम्युनलिज्म है तो अकॉर्डिंग टू डी स्मिथ ये ऐसा फंक्शन करती है कि जो पूरे देश के लिए, पूरे नेशन के लिए जो है ये डेट्रीमेंटल होती है। डेट्रीमेंटल मतलब बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। तो कम्युनलिज्म का जो इंटरेस्ट होता है वो पूरे नेशन को ही नुकसान पहुंचाने वाला काम करता है। सांप्रदायिकता एक तरह से धार्मिक समुदाय के कार्य के रूप में होता है और ये आमतौर पर अन्य समूहों या दूसरे पूरे देश के लिए, या दूसरे समूह को नुकसान पहुंचाएंगे या पूरे देश के लिए ये हानिकारक माने जाते हैं। तो सांप्रदायिकता सिर्फ एक समूह के लिए हानिकारक नहीं होती है, बल्कि वो पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए जो है वो हानिकारक होती है अकॉर्डिंग टू डी स्मिथ। राम आहूजा क्या कहते हैं कम्युनलिज्म के बारे में, राम आहूजा कहते हैं कम्युनलिज्म इज अ बिलीफ दैट इज करेक्टराइज्ड बाय स्ट्रांग एंटागोनिज्म। कम्युनलिज्म एक बिलीफ है जो स्ट्रांग एंटागोनिज्म से करेक्टराइज होती है। स्ट्रांग एंटागोनिज्म किसको कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं दुश्मनी, एंटी जिसको कहते हैं। ठीक, कम्युनलिज्म इज अ बिलीफ दैट इज करेक्टराइज्ड बाय स्ट्रांग एंटागोनिज्म प्रैक्टिस बाय द मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी अगेंस्ट द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। जो कौन प्रैक्टिस करता है, एक कम्युनिटी के मेंबर जो है दूसरे कम्युनिटी के मेंबर के अगेंस्ट जो है कम्युनलिज्म प्रैक्टिस करते हैं। एक कम्युनिटी के मेंबर जो है वो दूसरे कम्युनिटी के मेंबर के अगेंस्ट प्रैक्टिस करते हैं। सांप्रदायिकता एक ऐसा विश्वास है जो एक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों के लोगों के खिलाफ प्रचलित मजबूत विरोध की विशेषता है। तो एक तरह का विरोध की विशेषता है सांप्रदायिकता, एक ऐसा विश्वास है जो विरोध करता है, विरोध की विशेषता है। इसके खिलाफ एक समुदाय के लोग, एक समुदाय के सदस्य जो है
दूसरे समुदाय के खिलाफ ये काम करते हैं, सांप्रदायिकता का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू राम आहूजा। राम आहूजा ने ये कहा कि सांप्रदायिकता क्या है, एक विश्वास है जो एक समुदाय के जो सदस्य होते हैं वो दूसरे समुदाय के सदस्य के खिलाफ एक विरोध पेश करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रभा दीक्षित। प्रभा दीक्षित ने किस तरह से डिफाइन किया है कम्युनलिज्म को। अकॉर्डिंग टू प्रभा दीक्षित, कम्युनलिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन दैट मेक्स यूज ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस टू गार्नर पॉलिटिकल गेन। तो प्रभा दीक्षित इसको अलग तरीके से डिफाइन करती हैं और कहती हैं कि ये पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं या जो पॉलिटिशियन है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? ये एक रिलीजन का यूज करती है दूसरे रिलीजन के खिलाफ, एक रिलीजन या कल्चर का यूज करती है दूसरे रिलीजन या कल्चर के खिलाफ ताकि उनको पॉलिटिकल गेन मिल सके। मतलब दो कम्युनिटीज को आप लड़ा दीजिए, दो कल्चर को आप लड़ा दीजिए, उसके बाद आप पॉलिटिकल गेन पा सकते हैं। ठीक, तो प्रभा दीक्षित ने इसको एक पॉलिटिकल वे में डिफाइन किया है और ये क्या है कि ये पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन वो किसका करती है, जो इस्तेमाल करती है रिलीजन का या कल्चर का, और एक रिलीजन या कल्चर को दूसरे रिलीजन या कल्चर से लड़ाकर अपना पॉलिटिकल गेन पाती है। ठीक, प्रभा दीक्षित के अनुसार सांप्रदायिकता एक राजनीतिक सिद्धांत है। तो प्रभा दीक्षित कहती है कि सांप्रदायिकता क्या है, एक राजनीतिक सिद्धांत है जो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों का उपयोग किया जाता है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद तो होते ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल करता है कौन, जो राजनीतिक लोग होते हैं। एक राजनीतिक सिद्धांत है, प्रभा दीक्षित कहती हैं कि जो सांप्रदायिकता है वो क्या है, एक राजनीतिक सिद्धांत है। क्यों है? क्योंकि राजनीतिक जो लोग होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो दूसरे धर्म या दूसरे संस्कृति के लोगों को, एक धर्म और संस्कृति के लोगों के साथ जो भी मतभेद होता है उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे उनको राजनीतिक लाभ मिलता है। ठीक, तो उनको राजनीतिक लाभ मिलता है। टीके उमेन ने कैसे डिफाइन किया है कम्युनलिज्म को, ज्यादातर जो है टीके उमेन का से रिलेटेड ही कम्युनलिज्म का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। टीके उमेन ऑफ फेमस सोशियोलॉजिस्ट है सजेस्टेड दैट देयर आर सिक्स डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म। तो इन्होंने छह डायमेंशन दिया है कम्युनलिज्म की, वो अलग अलग वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टीके प्रसिद्ध समाजशास्त्री टीके उमेन प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने सुझाव दिया है कि सांप्रदायिकता के छह आयाम हैं। अब वो छह आयाम कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है असीमेश, असिमिलेशनिस्ट जिसको कम्युनिस्ट या कम्युनलिज्म भी कहा जाता है, असिमिलेशनिस्ट या कम्युनिस्ट कम्युनलिज्म। ठीक, असिमिलेशनिस्ट या कम्युनिस्ट कम्युनलिज्म यानी कि आत्मसातवादी या साम्यवादी संप्रदाय। असिमिलेशनिस्ट या कम्युनिस्ट कम्युनलिज्म या आत्मसातवादी या संप्रवादी साम्यवादी संप्रदाय। अब इन दोनों इनमें क्या चीज़ें आती हैं, अंडर दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म, इस टाइप के कम्युनलिज्म में यानी कि असिमिलेशनिस्ट जो होते हैं उस टाइप के कम्युनलिज्म में स्मॉल रिलीजियस ग्रुप, जो छोटे रिलीजियस ग्रुप होते हैं, आर असिमिलेटेड इनटू बिग रिलीजियस ग्रुप, वो मिल जाते हैं बड़े रिलीजियस ग्रुप के साथ। ठीक, आर असिमिलेटेड विद बिग रिलीजन रिलीजियस ग्रुप। इस प्रकार की सांप्रदायिकता के अंतर्गत छोटे इस प्रकार की सांप्रदायिकता के अंतर्गत छोटे धार्मिक समूह को बड़े धर्मों के समूह में आत्मसात कर लिया जाता है। ठीक, बड़े धार्मिक समूह के साथ उसको आत्मसात कर लिया जाता है, जो छोटे छोटे धार्मिक समूह होते हैं उनको। इस तरह की जो सांप्रदायिकता होती है उसको आत्मसातवादी या साम्यवादी सांप्रदायिकता कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म, कल्याणवादी सांप्रदायिकता। वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म का क्या मानना है, यानी कि कल्याणवादी सांप्रदायिकता का क्या मानना है? इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द वेलफेयर फॉर द पार्टिकुलर कम्युनिटी। इसमें ज़्यादातर फोकस किया जाता है एक कम्युनिटी को जो है कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एसिमिलेशन का एक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो सिख जो होते हैं या बौद्ध जो होते हैं उनको ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये हिंदू रिलीजन है। हालांकि ये अलग रिलीजियस ग्रुप है लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये हिंदू रिलीजन के हैं, तो इसको कहते हैं एसिमिलेशन। आप जब उनको जो है अपने ही रिलीजन का मानते हैं तो इसको एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक, और वेलफेयरिस्ट का मतलब क्या है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वेलफेयरिस्ट कम्युनिस्ट जो होते हैं, कम्युनलिज्म जो है या कल्याणवादी सांप्रदायिकता जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बस अपने रिलीजन के लिए जो है वेलफेयर काम करते हैं, वेलफेयर एक्शन करते हैं अपने ही कम्युनिटी के लिए, अपने समुदाय के लिए या अपने जो है ग्रुप के लिए एक कल्याण काम करते हैं, कल्याणवादी काम करते हैं, कल्याणकारी काम करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार की सांप्रदायिकता में समुदाय विशेष के कल्याण पर बल दिया जाता है। ठीक, ज़्यादातर ये बल दिया जाता है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़े, तो इसको वेलफेयरिस्ट कम्युनिज्म यानी कि कल्याणकारी सांप्रदायिकता कहा जाता है। जैसे बहुत सारे वो हैं, आप देखेंगे बहुत सारे NGO वगैरह भी चलाए जाते हैं। मुस्लिम्स में भी बहुत सारी हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारे एग्जांपल हैं इंडिया में आप देखेंगे। एक तो एग्जांपल मुझको याद नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल है जैसे अलग अलग हैं, जैसे जमाते इस्लामी हिंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये तो कानूनी तौर पे है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, या जमीयत उलमाए हिंद है। ये सब क्या करते हैं, मुस्लिम कौम को बढ़ावा देते हैं। ठीक, मुस्लिम रिलीजन के जो लोग हैं उनको बढ़ावा देते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो एक तरह से उनके लिए स्कूल खोलेंगे या उनके लिए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन जो है वो ज़्यादातर क्या है, वेलफेयरिस्ट कम्युनिज्म के हिस्सा है, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसीलिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं, वेलफेयर कम्युनलिज्म में आ जाती है, कल्याणकारी सांप्रदायिकता में। रिट्रेटिस्ट कम्युनलिज्म, रिट्रेटिस्ट सांप्रदायिकता क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी कीप्स इटसेल्फ अलूफ फ्रॉम पॉलिटिकली रिलेटेड एक्टिविटी। इस ग्रुप में जो छोटे रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश करते हैं, तो इसी को रिट्रेटिस्ट कम्युनलिज्म या रिट्रेटिस्ट सांप्रदायिकता कहा जाता है, जिसमें छोटे रिलीजियस ग्रुप जो है वो क्या करते हैं अपने आप को पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रखते हैं। ठीक, इस प्रकार की सांप्रदायिकता में छोटे धार्मिक समुदाय स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों से अलग रखते हैं। ठीक, तो वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहते और अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखते हैं। ठीक, जो छोटे रिलीजियस छोटे धार्मिक समुदाय होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को राजनीति से दूर रखते हैं, तो ऐसे लोगों को रिट्रीटिस्ट सांप्रदायिकता कहा जाता है। इस तरह की सांप्रदायिकता को रिट्रीटिस्ट सांप्रदायिकता कहा जाता है या रिट्रीटिस्ट कम्युनलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म, प्रतिशोधी सांप्रदायिक। इस टाइप के कम्युनलिज्म में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म पीपल बिलोंगिंग टू वन रिलीजन कम्युनिटी अटेम्प्ट टू हार्म हर्ट एंड इंजर द मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। तो पहले के तीन जो थे वो अकॉर्डिंग टू पी के वुमेन, पहले के तीन जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हार्मफुल नहीं होते, हानिकारक नहीं होते। बाद के जो तीन हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक, वो पूरे नेशन के लिए खतरनाक होते हैं या दूसरे कम्युनिटी के लिए भी खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म, प्रतिशोधी सांप्रदायिकता। इसमें क्या होता है, इस टाइप के कम्युनलिज्म में जो एक कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं वो दूसरे रिलीजन या दूसरे कम्युनिटी के लोगों को हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उनको हर्ट करने की या उनको इंजर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है,
रिलीजन के बेस पे अगर आप किसी को मार देते हैं तो ये क्या है, एक रिटेलिएटरी कम्युनिज्म है। ठीक, आप रिटेलिएट कर रहे हैं, ये कम्युनिज्म जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि आप जो है रिलीजन के लिए, अपने रिलीजन के लिए जो है, अपने लोगों के लिए एक ग्रुप होता है जो रिलीजन का नाम देकर दूसरे लोगों को हार्म करने की, हर्ट करने की या इंजर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का कम्युनिज्म जो है वो रिटेलिएटरी कम्युनिज्म कहलाता है। प्रतिशोधी सांप्रदायिकता क्या है, जब आप जो है कोई एक धर्म या समुदाय के लोग जो है वो क्या करते हैं, दूसरे धार्मिक समुदायों के सदस्यों को, तो दूसरे धार्मिक समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने, चोट पहुंचाने और घायल करने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से मारपीट वाला माहौल हो जाता है यहाँ पे प्रतिशोधी सांप्रदायिकता में, कि लोग जो है इस एक ग्रुप, एक धर्म के मानने वाले लोग जो है वो क्या करते हैं, दूसरे धर्म, दूसरे समुदाय के मानने वाले लोगों के साथ जो है अन्याय करते हैं और उनको जो है चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने और घायल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इस तरह की कम्युनलिज्म को, इस तरह की सांप्रदायिकता को प्रतिशोधी सांप्रदायिकता कहा जाता है या रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म, अलगाववादी सांप्रदायिकता। ये सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म क्या है, अलगाववादी सांप्रदायिकता क्या है? इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म वन रिलीजियस कम्युनिटी डिसाइड टू मेंटेन इट्स कल्चरल स्पेसिफिसिटी एंड डिमांड अ सेपरेट टेरिटोरियल स्टेट विद इन द कंट्री। इस टाइप के कम्युनलिज्म में क्या है, एक रिलीजन या एक कम्युनिटी जो है अपने आप के लिए एक नया स्टेट मांगती है, अपना एक नया कंट्री मांगती है। जैसे जो है इंडिया में क्या हुआ, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के लोगों ने रिलीजन के बेस पे एक अलग कंट्री मांगा। ठीक, तो पाकिस्तान के लोगों ने रिलीजन के बेस पे एक अलग कंट्री मांगा। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह का सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म वन रिलीजियस कम्युनिटी, एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है अपने कल्चर को मेंटेन करने, टू मेंटेन इट्स कल्चरल स्पेसिफिसिटी, अपनी कल्चर को अपनी संस्कृति को मेंटेन करने के लिए वो डिमांड करती है अपना एक अलग टेरिटोरियल स्टेट विद इन कंट्री। ठीक, तो अलग टेरिटोरियल स्टेट, या तो आप स्टेट मांग रहे हैं या अलग कंट्री मांग रहे हैं। ठीक, अलग कंट्री मांगेंगे तो सेसेशनिस्ट हो जाएगा शायद, और अभी हम लोग सेसेशनिस्ट पढ़ेंगे आगे। तो सेपरेटिस्ट मतलब है कि आप अलग स्टेट मांगें। ठीक, जैसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ने अपने कल्चर को बचाने के लिए क्या किया था, एक अलग स्टेट मांगने की कोशिश की। ठीक, तो विद इन कंट्री अगर आप एक अलग टेरिटोरियल स्टेट मांगते हैं तो उसको सेपरेटिस्ट कम्युनिज्म कहा जाता है। रिलीजन के बेस पे या कल्चर के बेस पे अगर आप अलग कंट्री, अलग स्टेट मांगते हैं, कंट्री ने अगर अलग स्टेट मांगते हैं विद इन कंट्री, तो उसको सेपरेटिस्ट कम्युनिज्म कहा जाएगा। अलगाववादी सांप्रदायिकता क्या है, इस प्रकार की जो सांप्रदायिकता है इसमें एक धार्मिक समुदाय जो है अपनी संस्कृति विशिष्टता को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति विशिष्टता को बनाए रखने के लिए क्या करता है, ये निर्णय लेता है कि देश के भीतर ही एक अलग क्षेत्रीय राज की मांग करता है। ठीक, ये क्या करता है, देश के भीतर ही एक अलग संस्कृति और एक अलग क्षेत्रीय राज की मांग करता है। ठीक, कि हमको एक अलग राज दिया जाना चाहिए, किस बेस पे, धर्म के बेस पे। तो अगर धर्म के बेस पे आप अपने ही देश में, अपने ही कंट्री में एक अलग राज मांगने लगे तो उसको क्या कहा जाएगा, अलगाववादी सांप्रदायिकता कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है सेसेशनिस्ट कम्युनलिज्म, यानी कि पृथकतावादी सांप्रदायिकता। पृथकतावादी सांप्रदायिकता क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म अ रिलीजियस कम्युनिटी डिमांड फॉर अ सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड इंसिस्ट टू हैव अ सेपरेट स्टेट। तो ये क्या करते हैं, अलग कंट्री की मांग करते हैं। ठीक, इस तरह के कम्युनलिज्म में जो है क्या करते हैं, ये अपने रिलीजियस कम्युनिटी, एक रिलीजियस कम्युनिटी होती है जो क्या करती है, अपना एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी सेपरेट करना चाहती है, और वो किस लिए करती है, वो एक अलग स्टेट की मांग करती है। ठीक, इस प्रकार की सांप्रदायिकता में एक धार्मिक समुदाय एक अलग राजनीतिक पहचान की मांग करता है। वो ये कहता है कि हमको एक अलग राजनीतिक पहचान दिया जाना चाहिए, और इस वजह से एक अलग राज्य की, एक अलग देश की मांग करता है। इस तरह की मांग वाले लोगों को
इस तरह की मांग की जो सांप्रदायिकता है उसको पृथकतावादी सांप्रदायिकता कहा जाता है या सेसेशनिस्ट कम्युनलिज्म कहा जाता है। ठीक, सेसेशनिस्ट कम्युनलिज्म। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कम्युनलिज्म है, अभी हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या कहा है इन्होंने, उसके बाद देखते हैं। ऑफ ऑल द एबव टाइप ऑफ कम्युनलिज्म, ये पूरे जो टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्म है, तो टीके उमेन कहते हैं कि लास्ट थ्री कैटेगरीज क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो मैंने पहले ही बता दिया कि पहली तीन कैटेगरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो लास्ट थ्री कैटेगरी है उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाय परपेचुएशन कम्युनल राइट। क्यों होता है? क्योंकि ये कम्युनल राइट करते हैं, टेररिज्म करते हैं, इंसर्जेंसी करते हैं। ठीक, उपरोक्त के सभी प्रकार की सांप्रदायिकता में से अंतिम तीन श्रेणियाँ सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देकर समस्याएं पैदा करते हैं। तो ये क्या करते हैं? आतंकवाद, उग्रवाद और सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देकर समस्या पैदा करते हैं। जो लास्ट के तीन हैं, उससे पहले जो तीन हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे कोई समस्या पैदा नहीं होती। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की मुख्य विशेषताएं क्या है? इट इज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक वैचारिक अवधारणा है। बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्स, मतलब ये आइडियोलॉजी के बेस पे होता है, आपके विचार के बेस पे होता है। बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल, ये ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल के बेस पे होता है, रूढ़िवादी सिद्धांत के आधार पर होता है। बेस्ड ऑन इनटॉलरेंस, टॉलरेंस नहीं होता है इनके अंदर, ये इनटॉलरेंस के बेस पे होता है, असहिष्णुता के आधार पर ये होता है, असहिष्णुता के आधार पर होता है। प्रोपोगेशन ऑफ इंटेंस डिसलाइक टू अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन के थ्रू जो है इंटेंस डिसलाइक का प्रोपोगेशन होता है, मतलब ये माना जाता है कि दूसरे रिलीजन जो है उनको पसंद नहीं किया जाता। अन्य धर्मों के प्रति तीव्र अरुचि का प्रचार होता है। ठीक, कंसिडरिंग वंस ओन रिलीजन टू बी सुपीरियर, और अपने रिलीजन को जो है ये सुपीरियर मानते हैं, अपने धर्म को ये श्रेष्ठ समझते हैं। वर्किंग टुवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ अदर रिलीजन एंड देयर वैल्यूज, ये क्या करते हैं? दूसरे रिलीजन और उनकी वैल्यूज को खत्म करने की, उनको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अन्य धर्मों और उनके मूल्यों के उन्मूलन की दिशा में काम करते हैं। ठीक, तो सांप्रदायिकता जो है वो अन्य धर्मों और उनके मूल्यों को उन्मूलन यानी कि उनको खत्म करने की दिशा में काम करते हैं। मेकिंग यूज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ वायलेंस, तो ये क्या करते हैं? एक्सट्रीमिस्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वायलेंस का यूज करते हैं अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन एंड फेथ, तो दूसरे रिलीजन और फेथ के मानने वालों के ऊपर जो ये वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। अन्य धर्मों और विश्वासों से संबंधित लोगों के खिलाफ हिंसा के उपयोग सहित चरमपंथी रणनीति का उपयोग करते हैं। अन्य धर्मों और विश्वासों से संबंधित लोगों के खिलाफ हिंसा के उपयोग सहित चरमपंथी राजनीति का उपयोग करते हैं। बिलीव दैट फॉलोअर ऑफ सेम रिलीजन हैव कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट, ये बिलीव करते हैं कि जो एक रिलीजन के मानने वाले लोग होते हैं उनके फॉलोअर के बीच में सेम इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम बिलीफ ऑफ अदर कम्युनिटीज, जो दूसरे रिलीजन के मानने वाले लोगों के बीच या दूसरे कम्युनिटीज के मानने वालों लोगों के बीच जो है अलग होता है। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो दूसरे लोगों के बीच में जो है दूसरे लोगों के लिए अलग होता है। विश्वास है कि एक ही धर्म के अनुयायियों के समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित होते हैं, तो एक ही धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हित जो है वो समान होते हैं, और ये माना जाता है कि दूसरे धर्म के जो हित हैं वो अलग हैं। बिलीव दैट फॉलोअर ऑफ अदर रिलीजन टू बी कम्प्लीटली इनकम्पेटिबल, एंटागोनिस्ट एंड हॉस्टाइल, तो दूसरे धर्म के लोगों को क्या माना जाता है? दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को ये माना जाता है कि वो इनकम्पेटिबल है, मतलब वो उनसे कम्पेट नहीं, उनसे जो है कम्पेट नहीं कर सकते। एंटागोनिस्ट माना जाता है एक विरोधी की तरह से शत्रुता होती है, हॉस्टाइल होता है, दुश्मनी होती है। ठीक, अन्य धर्मों के अनुयायियों को पूरी तरह से असंगत, विरोधी और शत्रुतापूर्ण मानते हैं।
ये कम्युनलिज्म क्या यानी कि सांप्रदायिकता की विशेषताएं हैं। बिलीव दैट स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टिकुलर कम्युनिटी कैन बी प्रोमोटेड बाय ओनली मेंटेनिंग अ सेपरेट आइडेंटिटी सो दैट देयर इंटरेस्ट आर सर्व बेटर। ये मानते हैं एक जो कम्युनिटी है वो अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए ये मानते हैं कि सिर्फ अपनी ही आइडेंटिटी बचाई रखी जाए, बाकी दूसरों की आइडेंटिटी जो है ख़त्म कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए ताकि उनका इंटरेस्ट जो है अच्छी तरीके से फुलफिल हो सके। एक उनका मानना है कि एक विशेष समुदाय के विशिष्ट हितों को केवल एक अलग पहचान बनाकर बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक उसको एक अलग पहचान बनाकर ही बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि उनके हितों को बेहतर तरीके से सेवा किया जा सके। टेंड्स टू बिलीव दैट कम्युनल इंटरेस्ट आर सुपीरियर टू द नेशनल इंटरेस्ट, और ये बिलीव करते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके मुकाबले में कम्युनल इंटरेस्ट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा सुपीरियर। ये विश्वास करने लगता है कि सांप्रदायिक हित राष्ट्रीय हित से श्रेष्ठ, तो अपने धर्म का हित अपने सांप्रदायिक हित को जो है वो लोग राष्ट्र हित से ऊंचा समझने लगते हैं। ट्रेड सिटीजन ऑफ नेशन नॉट एज सिटीजन बट एज मेंबर ऑफ पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, तो ये नेशन के सिटीजन को सिटीजन के तौर पे नहीं देखते हैं बल्कि ये देखते हैं कि वो दूसरे कम्युनिटी दूसरे रिलीजन का मानने वाला है, ठीक। किसी राष्ट्र के नागरिक को नागरिकों के रूप में नहीं देखते हैं बल्कि ये देखते हैं कि वो किसी दूसरे धर्म दूसरे समुदाय से मानने वाला है, दूसरे समुदाय का सदस्य, ठीक। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म इट डिमांड सेपरेट नेशन फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, इसके एक्सट्रीम फॉर्म में जो है ये सेपरेट नेशन की मांग करता है, हमने पढ़ चुका है ये, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज। इट रिजॉर्ट्स टू वायलेंस, इसकी वजह से क्या होता है वायलेंस होता है, फ्रॉड होता है, एंड एन इवन गेट्स असिस्टेंस फ्रॉम फॉरन पावर, और कभी कभी जो है फॉरन पावर से भी इनको कुछ ना कुछ असिस्टेंट मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट कि आप लोग जो है दंगे फैलाइए वायलेंस करिए टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल, ताकि अपने पॉलिटिकल गोल को ये अचीव कर सके। अपने चरम रूप में ये विशेष समुदाय के लिए अलग राष्ट्र की मांग करता है, ये हिंसा धोखाधड़ी और धोखाधड़ी का सहारा लेता है और अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाहरी यानी कि विदेशी शक्तियों का सहायता भी प्राप्त करता है। इट लीड्स टू अब्यूज ऑफ पावर, ये पावर का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, ये शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, ठीक। इट इज यूज बाई एलाइट्स एज अ टूल फॉर एक्सप्लॉइटेटिंग द कम्युनल आइडेंटिटी, ये एलाइट्स के जरिए इस्तेमाल किया जाता है एज अ टूल कि वो कम्युनल आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट करें, ऑफ द पुअर सेक्शन, जो पुअर सेक्शन की कम्युनल आइडेंटिटी है उनको ख़त्म किया जाए, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, बिलोंगिंग टू देयर ओन रिलीजन, ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू देयर ओन रिलीजन, इसका उपयोग अभिजात वर्ग द्वारा अपने स्वयं के धर्म से संबंधित लोगों के गरीब वर्गों की सांप्रदायिक पहचान का शोषण करते हैं अपने खास हित के लिए, ठीक, एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज इंजीनियर्ड बाय अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक। तो ये जो है जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं चाहे वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिकल पॉलिटिशियन जो होते हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखते हैं वो भी, अब ग्रुप विद इन पॉलिटिकल पार्टी, ये राजनीतिक दलों के भीतर समूहों के अवसरवादी राजनीति और आर्थिक हित द्वारा इंजीनियर होते हैं, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज या जो है जो कैपिटलिस्ट वगैरह होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वही जो है कम्युनलिज्म को या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं ताकि उनके ऊपर कोई सवाल ना उठाए और वो जो है ऐसी राजनीति करते रहे और इस तरह से जो है एक्सप्लॉयटेशन टूअर्स का गरीबों का करते हैं। लास्टली इट सेट्स द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, तो लास्ट में जो है ये क्या करता है डेमोक्रेसी की फाउंडेशन स्टोन को भी हिला देता है, उसको खत्म करता है, सेकुलरिज्म को खत्म करता है एंड नेशनल इंटीग्रेशन को खत्म करता है, अंत में ये लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता की नींव को भी हिला देता है। नेक्स्ट आता है कास्टिज्म, ये भी इस संडे को, ठीक है नेक्स्ट संडे देखते हैं हम लोग।
टेस्ट अगर पॉसिबल होगा तो ले लूंगा। कास्टिज्म कम्युनलिज्म से रिलेटेड है, जो भी टीचर्स कास्टिज्म के होते हैं कम्युनलिज्म के होते हैं वही कास्टिज्म, बस वहाँ पे क्या है एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक रिलीजन के खिलाफ है, यहाँ पे एक कास्ट के खिलाफ। तो इसीलिए कास्टिज्म को बहुत डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस कास्टिज्म का हम लोगों को ये पढ़ना है कि कास्टिज्म के जो फीचर होते हैं वो कम्युनलिज्म के ही फीचर होते हैं, बस यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे होता है, वहाँ रिलीजन के बेसिस पे होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कास्टिज्म लीड्स टू द मेंबर ऑफ वन कास्ट टू एक्सप्लॉइट द मेंबर ऑफ अदर कास्ट। तो यहाँ पे भी एक एंटागोनिज्म का फीलिंग होता है, और ये सोचते हैं कि हमारी कास्ट जो है वो सुपीरियर है दूसरे के मुकाबले में, और एक कास्ट के लोग जो मेंबर होते हैं वो अपना सेम इंटरेस्ट मानते हैं दूसरे कास्ट के मुकाबले में, ठीक है। तो इस वजह से कास्टिज्म जो है वो क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है दूसरे कास्ट के जो मेंबर होते हैं उनको, ठीक। तो कास्टिज्म लीड्स द मेंबर ऑफ वन कास्ट टू एक्सप्लॉइट द मेंबर ऑफ अदर कास्ट फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के लिए ही वो दूसरे कास्ट के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं इन द नेम ऑफ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। किस नाम में? सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। एक जो ऊंची कास्ट होती है वो जो निचली कास्ट होती है उनको इंफीरियर समझते हैं और ये मानते हैं कि हम सुपीरियर हैं तो हमारा हक है तुमको एक्सप्लॉइट करने का, ठीक। तो जातिवाद क्या होता है? जातिवाद एक राजनीतिक और एक जाति के सदस्यों को श्रेष्ठता या हीनता के नाम पर अपने निहित स्वार्थ के लिए दूसरी जाति के समुदायों का शोषण करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि एक जाति को ये माना जाता है कि वो श्रेष्ठ है और दूसरी जाति को हीन माना जाता है, ठीक। इसी वजह से ये माना जाता है कि जो ऊंची जाति है वो नीची जातियों को का शोषण कर सकते हैं, ठीक। उसको प्रेरित करने के लिए जातिवाद जो है वो परमिशन देता है। अकॉर्डिंग टू आर एन शर्मा ने कास्टिज्म के बारे में क्या कहा है, कास्टिज्म इज अ ब्लाइंड ग्रुप लॉयल्टी। तो ब्लाइंड ग्रुप लॉयल्टी है, ठीक, टूवर्ड्स वन कोर्स ओन कास्ट। अपने कास्ट के थ्रू जो है एक लॉयल्टी है और सब कास्ट के थ्रू एक लॉयल्टी है, विच डज नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर कास्ट। जो दूसरे कास्ट के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं रखता है, एंड सीक्स टू रियलाइज द सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एंड अदर इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन ग्रुप। और ये रियलाइज करते हैं कि वो अपनी जो कास्ट है, जो उनकी कास्ट है, उनका पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम है, तो ये दूसरे लोगों के दूसरे कास्ट के लोगों के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। आर एन शर्मा के अनुसार जातिवाद अपनी जाति या उपजाति के प्रति एक अंधी समूह निष्ठा है, ठीक। तो एक अंधी समूह निष्ठा है जो अन्य जातियों के हितों की परवाह नहीं करता है, जो क्या करता है अन्य जातियों के हितों की परवाह नहीं करता है और अपने स्वयं के समूह के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक या अन्य हितों को महसूस करना चाहता है, और ये महसूस करते हैं कि जो उनके ग्रुप जो उनके कास्ट के मानने वाले लोग हैं उनके जो उनके कास्ट के लोग हैं मानने वाले, तो मानना तो नहीं होता इसमें, बाय बर्थ होता है कास्ट जो भी होता है, तो जो उनके कास्ट के मेम्बर हैं उनके सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक इंटरेस्ट जो है वो सेम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्लोरिटेरियनाइजेशन, सर्वहाराकरण इन मार्क्सिज्म। प्लोरिटेरियनाइजेशन इज द सोशल प्रोसेस वेयर बाय पीपल मूव फ्रॉम बीइंग ईदर एन एम्प्लॉयर अनएम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड टू बीइंग एम्प्लॉयड एज वेज लेबर बाय एन एम्प्लॉयर। तो प्लोरिटेरियनाइजेशन मतलब होता है प्लोरिटेरिएट बनना। आपने बॉर्जुआ और प्लोरिटेरिएट का नाम सुना होगा, तो प्रोलिटेरियनाइजेशन मतलब प्रोलिटेरिएट बनना। तो अगर एक कोई एम्प्लॉयर है यानी कि वो बॉर्जुआ है, या एम्प्लॉयड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो बाद में जाके वेज लेबर बन जाए, ठीक, वो बाद में जाके वेज लेबर बन जाए बाय एन एम्प्लॉयर, तो उसको प्रोलिटेरियनाइजेशन कहा जाता है। मतलब कि एक बाजुआ है जो अपना काम कर रहा था, खुद का काम कर रहा था या खुद की मजदूरी कर रहा था, खुद से मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयड था या कहीं पे एम्प्लॉयड था, या वो खुद जो है कैपिटलिस्ट था, बाद में जाके क्या हुआ कुछ कंडीशन की वजह से वो खुद वेज लेबर बन गया, तो इसी को प्लोरिटेरियनाइजेशन कहा जाता है। मार्क्सवाद में सर्वहाराकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक नियोक्ता मतलब जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीवादी है, बेरोजगार या स्वनियोजित स्वयं नियोजित होने से एक नियोक्ता द्वारा मजदूरी श्रम के रूप में कार्यरत होने के आगे के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वहाराकरण क्या कहते हैं,
एक सामाजिक प्रक्रिया होती है सर्वांगकरण, जिसके थ्रू क्या होता है, जो नियोक्ता होता है यानी कि जो पूंजीवादी होता है या जो रोजगार होता है बेरोजगार होता है, कि जो पूंजीवादी है जो बेरोजगार है या जो मतलब खुद से रोजगार पाया है, मतलब अपना ही काम कर रहा हो जो, ठीक, उसके बाद जाके वो क्या हो रहा है, वो रोजगार पा लेता है, मजदूरी के तौर पे काम करने लगता है, तो उसी को सर्वाहकरण कहा जाता है, सर्वहारकरण कहा जाता है। प्रोलिटेरियनाइजेशन इज ऑफन सीन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड सोशल मूवमेंट। तो प्रोलिटेरियनाइजेशन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म है डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी की। डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी क्या होती है, जब ऊपर से नीचे की तरफ एक कैपिटलिस्ट जो है वो क्या बन रहा है, वर्कर बन रहा है, तो क्या है, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी ही होगी। सर्वहाराकरण को अक्सर अधोमुखी सामाजिक गतिशीलता के सबसे महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता है। अधोमुखी मतलब जो नीचे की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक, इस तरह की जो सामाजिक गतिशीलता होती है उसको अधोमुखी सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है, और सर्वहाराकरण को यही माना जाता है कि ये अधोमुखी सामाजिक गतिशीलता है। इम्बार्जुआमेंट यानी बार्जुआवाद क्या होता है, तो इसमें उल्टा है, प्रोलिटेरिएट के उल्टा है, अगर कोई जो है प्रोलिटेरिएट है वो बार्जुआ बन रहा है तो उसको इम्बार्जुमेंट कहा जाता है या बार्जुआवाद कहा जाता है, ठीक। इम्बार्जुमेंट इज द थ्योरी दैट पोजिस द माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इन टू द बार्जुआजीज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओन इफर्ट और कलेक्टिव एक्शन, चाहे अपने इफर्ट से चाहे कलेक्टिव एक्शन के जरिए अगर वो प्रोलिटेरिएट से बार्जुआ बन रहा है तो उसको इम्बार्जुमेंट कहा जाता है। बार्जुआवाद वो सिद्धांत है जो व्यक्तियों के प्रवास को उनके स्वयं के प्रयासों या सामूहिक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पूंजीपति वर्ग में रखता है। तो कोई जो है वर्कर था जो किसमें था, श्रम वर्ग में था, श्रम वर्ग से उसने खुद मेहनत की या सामूहिक तरीके से उसको कुछ हेल्प मिली और उसके जरिए जो है वो क्या बन गया, पूंजीपति बन गया, तो इसी को बार्जुआवाद कहा जाता है, ठीक, या पूंजीपतिवाद भी कह सकते हैं। The process of becoming middle class, the assimilation into the middle class of traditionally working class people. ठीक, तो जब ये क्या है, बार्जुमेंट क्या है, एक तरह का प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मिडिल क्लास बनने की प्रोसेस, द एसिमिलेशन इन टू द मिडिल क्लास ऑफ ट्रेडिशनली वर्किंग क्लास पीपल, जो वर्किंग क्लास पीपल है वो अगर मिडिल क्लास बनने लगे तो इसको भी बार्जुमेंट कहा जाएगा, इम्बार्जुमेंट कहा जाएगा। माध्यम वर्ग बनने की प्रक्रिया, पारंपरिक रूप से कामकाजी वर्ग के लोगों के मध्य वर्ग में आत्मसात होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, ठीक है, फिर लीव करते हैं क्लास, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।